बहुत सारे लोग ज्योतिष पर यकीन नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वे ज्योतिष से अनभिज्ञ हैं। आखिर ज्योतिष क्या है? कोई भी ज्योतिषी वो तीन चीजें आपसे मांगते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। पुराने जमाने में भी इन्हीं जानकारी से पंचांग खोले जाते थे, देखा जाता था कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। मैं तो छोटा मोटा एक साधक हूँ, पर मैंने परम विद्वान लोगों को भी देखा है जो ज्योतिष के आचार्य हैं, और उनकी भी गणनाएं और उनके भी जो प्रेडिक्शंस रहे हैं, कुछ ऐसी बातें पूर्व ही निर्धारित कर दी थी कि ऐसा होगा, वैसा नहीं होता है। आप जब सामने बात कर रहे होते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए, और जब व्यक्ति को आप सामने से देख रहे होते हैं, तब आप जो कुंडली में नहीं होता है आप उसके बारे में भी बात करते हैं। पैरासाइकोलॉजी में कंसेप्ट होता है क्लियर कॉग्निजेंस। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के बारे में उसके आभा मंडल को देख के प्राकृतिक रूप से ऐसी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना जो आपको पहले से नहीं पता, जो पूर्वविदित नहीं है। कि सब कुछ निर्धारित होने के बाद कुंडली के तहत वो चीजें फलीभूत नहीं हो रही हैं या कट रही हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? कटता कैसे है और फलीभूत क्यों नहीं होता है? क्या रीजन है इसके पीछे? नमस्कार, मैं हूं चक्रेश और आप देख रहे हैं अवधूत आनंद का YouTube चैनल। आज इस YouTube चैनल पर हम जो बात करने वाले हैं वो है ज्योतिष से संबंधित। हालांकि आपने इससे पहले भी ज्योतिष से जुड़ी हुई काफ़ी बातचीत इस चैनल में सुनी है, लेकिन आज हमारी कोशिश है कि हम ज्योतिष के उन पहलुओं तक आपको ले जाएं जहां तक अभी आप पहुंच नहीं पाए हैं। और जाहिर सी बात है, अवधूत आनंद के इस चैनल पर स्वयं अवधूत आनंद जतिन आपसे ज्योतिष की बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अवधूत जी, आपका चैनल, आपके दर्शक, आपका होस्ट, हम सभी आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं। ज्योतिष से संबंधित जो उत्सुकता है मेरे अंदर और जो व्यूअर्स हैं उनके अंदर, बहुत सारे लोग ज्योतिष पर यकीन नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वे ज्योतिष से अनभिज्ञ हैं। आखिर ज्योतिष क्या है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कोई भी ज्योतिषी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वो तीन चीज़ें आपसे मांगते हैं, आपका जन्म का समय, आपके जन्म का स्थान और जन्म की दिनांक, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। और इन तीन जानकारी को आज के डेट में तो लैपटॉप या आईपैड पे उस तरीके से देखा जाता है कुंडली देखने के लिए, बट पुराने ज़माने में भी इन्हीं जानकारी से पंचांग खोले जाते थे, देखा जाता था कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। इसको इस प्रकार समझना है कि जो आपके जन्म का स्थान है, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो उसकी ज्योग्राफिकल पोजिशन है, उसको अगर हम एक सेंटर कोर माने और वहाँ से जो हमारा तारामंडल है, जो सौर मंडल है, या अलग अलग नक्षत्र हैं, या स्पेस को एक उसकी अगर एक छवि, एक फ़ोटो निकाली जाए, तो वो बनती है इंसान की लग्न कुंडली। लग्न कुंडली के अलावा अनेकानेक प्रकार की और भी कुंडलियां होती हैं, पर मैं फ़िलहाल लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा विख्यात है। इस कुंडली के अंदर व्यक्ति का दिखता है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसकी कहाँ प्लेसमेंट है। अक्सर आपने देखा होगा जो ज्योतिष ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में जो फेमस है, या मोस्टली जो इंडिया में फेमस है, उसके अंदर घर बनते हैं, कुंडली कहते हैं उसको, और उसके अंदर 12 घर बनते हैं, जिसको 12 भाव भी कहते हैं, 12 एक्सपेक्ट्स कहते हैं। ये हमारे जीवन के अलग अलग जो पहलू हैं उनसे जुड़े हुए रहते हैं। अब जो ग्रह, यानी जो भी प्लैनेट है, वो रोटेट कर रहा है पृथ्वी के, सूर्य के चारों तरफ सारे जो हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं वो घूम रहे हैं। अब जिस समय जन्म हुआ, जिस दिन में जन्म हुआ है और जिस स्थान पर जन्म हुआ, उसको कोर मान के जिसकी जहाँ जो पोजीशनिंग है वो आपकी लग्न कुंडली में कैप्चर हो जाती है। ज्योतिष विद्या इसी नक्षत्रों को पढ़ने का ज्ञान है, एक इसका साइंस है, एक विज्ञान है, एक फिलॉसफी है, एक स्ट्रैटेजी है, एक टेक्निक है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, उसको सिर्फ अगर ये तीन जानकारी मिल जाए, तो वो उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकता है। और ज्योतिष विद्या इस सिद्धांत पे आधारित है कि मनुष्य अपने बीते हुए जन्मों में जो भी उसके कर्म को संचित करता है, यानी जो भी उसके पुण्य का या पाप का, जो भी उसके साथ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कार्मिक डेट, संचित कर्म जो लेके चल रहा है, एक बोझ जो उसके साथ है, एक बैगेज है, उसके अंदर जो भी अच्छे हैं और बुरे कर्म हैं, उसके समावेश से उसका जो यह जन्म निर्धारित होता है, जैसा उसके जीवन में उसकी क्षमताएं किस प्रकार रहेंगी, उसकी दुर्बलताएं क्या रहेंगी, कैसे जीवन में उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कैसे दोस्त मिलेंगे, कैसा परिवार मिलेगा, वो बात कैसे करेगा, वो दिखेगा कैसा, हर चीज़ पहले ही पूर्व निर्धारित है। और जिस समय जैसी निर्धारणा और जैसी उसके जीवन की, मैं अपनी भाषा में कहूँ तो लाइफ का जैसा डिज़ाइन बना दिया है, प्रारब्ध जिसको कहते हैं, भाग्य जिसको कहते हैं,
उस एक समय पे, एक काल गणना में एक स्थान पे व्यक्ति को जन्म दिया जाता है, व्यक्ति का जन्म होता है, ताकि जो ग्रहों की दशा है वो उसके बाद निरंतर जैसे जैसे अपनी गति में, क्योंकि वो कांस्टेंट है, हर प्लेनेट की रोटेशन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो वो उसी प्रकार घूमेगी कि जो व्यक्ति को डिज़ाइन दिखाना है, जैसे उसके जीवन में उतार चढ़ाव करने हैं वो ग्रह वैसे वैसे घूमते जाएंगे और वैसे वैसे उतार चढ़ाव आता जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति इस विद्या को समझने वाला है तो वो इसको समय से पहले भी प्रेडिक्ट कर सकता है, और किसी भी व्यक्ति का भूत, वर्तमान या भविष्य, तीनों काल के अंदर ज्योतिष शास्त्र जो है वो व्यक्ति को जानकारी प्राप्त करने में एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावनाओं की श्रेणी है कि किस घटना के घटने की सबसे ज़्यादा संभावना है, इसका शास्त्र है। मैं ज्योतिष के बारे में बात कर रहा हूँ तो बहुत ज़रूरी होगा कि मैं अपनी सभी जो ऑडियंस है हमारी, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग ज्योतिष के माध्यम से या साधना के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष किसी भी प्रकार का ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा विज्ञान नहीं है जो कट नहीं सकता, जो इस प्रकृति के परे है। ज्योतिष के अंदर भी ऐसा बहुत बार देखा गया मेरे अपने जीवन में, और मैंने मैं तो छोटा मोटा एक साधक हूँ, पर मैंने परम विद्वान लोगों को भी देखा है जो ज्योतिष के आचार्य हैं, और उनकी भी गणनाएं और उनके भी जो प्रेडिक्शंस रहे हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें पूर्व ही निर्धारित कर दी थी कि ऐसा होगा, वैसा नहीं होता है। जबकि वो दिख रहा होता है और सिद्धांत के हिसाब से चला जाए, शास्त्र सम्मत विधि से चला जाए, तो वैसा होना चाहिए, सर्वमान्य, उसके बावजूद ऐसा नहीं होता। और ये भी देखा गया है कि हर चीज़ का पता भी ज्योतिष के माध्यम से नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, इसमें कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 2019 के अंत में दुनिया में कोविड आया और भारत में 2020 की शुरुआत में आया, ये किसी भी ज्योतिष को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर होती तो शायद आज एक नए, एटलीस्ट हम एक नए ज्योतिष को फेमस होते देखते, भारत में या दुनिया में। तो मुझे लगता है ये एक प्राइमरी डेफिनेशन हम मान सकते हैं ज्योतिष की, जो मेरे हिसाब से। हाल ही में आपका एक पॉडकास्ट हुआ जिसमें लोगों ने आपके तंत्र से जुड़े हुए पहलू को देखा, लोगों को पता लगा कि आप तंत्र साधक भी हैं जी। तो बहुत सारे लोग अपनी उस तरह की बाधाएं लेकर आपके पास आ रहे थे। आई एम श्योर कि आज जो लोग देख रहे होंगे आपका ज्योतिष वाला पहलू, उन्हें थोड़ा आश्चर्य जरूर हो रहा होगा कि आप तंत्र साधक भी हैं और आप ज्योतिष पर भी बात कर रहे हैं जी। तो आपका ज्योतिष वाला पहलू कितना स्ट्रांग है, ये शायद उनके मन में भी चल रहा होगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक साधे सब, सदे सब, साधे सब जाए। तो आपने तंत्र साधना को जो साधा है, और जितना मैं आपको जान पाया हूँ उस पॉडकास्ट से लेकर इस पॉडकास्ट के बीच में, ज्योतिष की जो बात आपने की, मैं आ रहा हूँ कि मैं आपको किस तरह से ज्योतिष में भी आपको मैं जानता हूँ। तो जैसे ज्योतिष में भी अलग अलग विधि होती है, अंक ज्योतिष होता है जी, आपका जो आपने बताया कि वो पूरे 12 जो भाव हैं उसके अंतर्गत देखा जाता है ज्योतिष को एक तरीके से, फिर नॉर्थ साइड का एक ज्योतिष है, साउथ इंडियन ज्योतिष है जी, तो उस तरह का भी ज्योतिष है। एक ज्योतिष आपके पास भी है जिसको बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है, और हो सकता है वो अभी इस वक्त देख भी रहे हो इस पॉडकास्ट को। तो मैं ज़रा उस पर आना चाहता हूँ कि आप कई बार डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, आप कई बार बर्थ प्लेस की डिटेल लेते हैं, कहाँ जन्म हुआ है, किस समय जन्म हुआ है, ये दो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तीसरा, किस जगह जन्म हुआ है, ये डिटेल आप लेते हैं, और उसके बाद आप सामने वाले की कुंडली खोलकर आप उससे बात करते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि आप जब सामने बात कर रहे होते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के ज़रिए, और जब व्यक्ति को आप सामने से देख रहे होते हैं, तब आप जो कुंडली में नहीं होता है आप उसके बारे में भी बात करते हैं। हालांकि अगर आप भूत, भविष्य और वर्तमान की बात करें, कहीं ना कहीं वो ज्योतिष से ही जुड़ा हुआ है जी, उसके बारे में बताइए। क्योंकि अभी तक जितनी बात हुई है ज्योतिष के बारे में, वो कुंडली पर बात हो रही है जी। मैं उसके आगे जाकर बात करना चाह रहा हूँ, उसके बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आप लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं जी, उनके भूत, भविष्य, वर्तमान की गणना करके अपनी विद्या के जरिए, क्या इस बारे में आप शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल, ज्योतिष की अपनी एक सीमा है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को किसी कारणवश उसके जन्म का स्थान नहीं पता है, यह समय, बहुत सारे लोगों को जन्म की तिथि पता होती है, डेट ऑफ बर्थ पता होता है, लेकिन उनको टाइम ऑफ बर्थ में कन्फ्यूजन होता है, या मेरे पास ऐसे भी कुछ लोग आते हैं जिनके पास ये जानकारी नहीं होती है। अब इसमें हमारी बाध्यता ये है, हमारा रिस्ट्रिक्शन ये है कि बिना कुंडली के ज्योतिष को आप एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। तो जैसे आपने देखा है कि कुछ लोगों की मैं फ़ोटो, जिन लोगों ने कंसल्टेशन बुक करी है, जो लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं वो तो जानते ही हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए अच्छा है आपने सही प्रश्न पूछा है, ये ज्योतिष से संबंधित नहीं है। होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के पास जानकारी नहीं है, या हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है,
उसके पास उसकी डिटेल्स नहीं है, तो फोटो के माध्यम से क्या होता है, पैरासाइकोलॉजी में कंसेप्ट होता है क्लियर कॉग्निजेंस। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के बारे में उसके आभामंडल को देख के प्राकृतिक रूप से ऐसी कोई जानकारी प्राप्त कर लेना जो आपको पहले से नहीं पता, जो पूर्व विदित नहीं है। और गुरु कृपा से, ईश्वर की कृपा से, साधना मार्ग में ही इस अवस्था को भी प्राप्त किया है। होता ये है फिलहाल कि मैं अगर किसी की फ़ोटो देखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी देख रहा हूँ, तो मुझे आपके आभा मंडल को देखने की भी इजाज़त है और मैं साथ में वो देख सकता हूँ। इट्स अ केपेबिलिटी, एक ऐसी क्षमता है जो मुझे लगता है कि कुछ लोग प्राकृतिक रूप से इसको लेके पैदा होते हैं और कुछ लोग इसको अपने जीवन काल में कुछ योग और साधना के माध्यम से उभारते हैं। अब होता क्या है, आपका जो आभा मंडल है ये भी एक पूर्ण ब्रह्मांड के समान है। तंत्र भी ये कहता है और शास्त्र भी, हमारा सनातन धर्म इस बात को कहता है कि व्यक्ति का जो शरीर है उसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी हैं, चक्र हैं, नाड़ियाँ हैं, पूरे ब्रह्मांड, सभी देवी देवता हमारे अंदर हैं। और इसी मान्यता के आधार पर ये भी मेरा मानना है कि व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य ये भी आभा मंडल के अंदर देखा जा सकता है। अब अगर किसी की कुंडली है तो कुंडली के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से उनके प्रश्नों का उत्तर देने का मेरा प्रयास रहता है। किसके पास अगर नहीं है तो फिर आभा मंडल से देख के कुछ बातें जो समझ में आती हैं वो मैं बताता हूँ। और इसका संबंध ज्योतिष से नहीं है, इसका संबंध आप जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, जो कोलोकियल है, जो ज़्यादातर लोगों को पता है, वो है ऑरा स्कैनिंग। आभा मंडल के अंदर क्या आपकी ऊर्जा कहाँ पे संगठित है, कहाँ पे संकुचित है, यानी कहाँ कॉन्ट्रैक्टेड है, कहाँ पे एक्सपेंडेड है, कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, कहाँ पे फ्री फ्लो है, कहाँ पे उसके बॉन्ड्स हैं, रुकावट कहाँ पे है, इस प्रकार आपके आभा मंडल की अवस्था देख के कुछ भी प्रश्नों के उत्तर निकाले जा सकते। तो ज्योतिष में मान लीजिए जिसके पास अपना टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब कुछ नहीं है जी, और अगर वो आपके सामने बैठा है या उसने अपनी फोटो भेजी है, एकदम ताज़ा तरीन फोटो आपको भेजी हुई है, तो इस विद्या के जरिए उसके आभा मंडल का अवलोकन करके भूत, भविष्य, वर्तमान के उसकी बात की जा सकती है। यस, मैं चाहता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग जिन्होंने कंसल्टेशन कभी बुक किया हो और इस तरह की सेवा आपने अवधूत आनंद जी से अगर ली है, तो अपने अनुभव को कमेंट्स पे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो एक विधा है या जो ईश्वरीय तत्व जतिन जी के पास मौजूद है, अवधूत जी के पास मौजूद है, मुझे लगता है कि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग इस सेवा का लाभ ले चुके हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि जब उन्होंने इस तरह से अपनी जानकारी अवधूत जी के साथ बांटी और जब आपकी कुछ डिटेल्स नहीं थी और सिर्फ फ़ोटो या वीडियो कॉल पर अवधूत जी ने आपको आपके बारे में जो कुछ भी बताया है, आप वो जानकारी ना बताएं लेकिन अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें, ताकि जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और जो लोग कॉमेंट बॉक्स में जा रहे हैं उन्हें ये पता लगे कि हम जो बात कर रहे हैं वो हवा हवाई नहीं है, वो प्रमाणिक है और उसका प्रमाण देने के लिए आप सभी मौजूद हैं। फिर आते हैं हम अगले सवाल पर। हाँ, साथ ही साथ लगे हाथ में उन लोगों का भी धन्यवाद दे दूं जो बहुत मेहनत करते हैं। मुझे पता है कैमरा फेस करना आसान नहीं होता, मेरे पास वो लोग आते हैं जो परेशान होते हैं, अपनी परेशानियों को जग जाहिर करना, दुनिया के सामने बताना, उसके बाद वो हमारे पास है, उन्होंने क्या सलूशन किया, उसके क्या अनुभव रहे, इसको प्रकट करना ये कठिन है किसी के लिए भी। थोड़ा सा इसके अंदर ये भी होता है कि किसी किसी को अपनी प्राइवेसी का थोड़ा कॉन्शियसनेस होता है जी। उसके बावजूद जो लोग रिटन फॉर्मेट में, ऑडियो के फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट में भी हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए, ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं, उसके लिए टेस्टिमनीज देते हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आई वॉन्टेड टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक माई पीपल जी। हाँ। तो वाकई कि आप अपनी निजता का ध्यान रखते हुए अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं, तो इससे इस टेस्टिमनी को देख के बाकी लोगों को लाभ होता है, बाकी लोगों को यकीन होता है। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अवधूत जी की इस विधा का, ईश्वरी तत्व का जो उनके साथ मौजूद है, इसका लाभ उठाएं जो उन्होंने साधना से हासिल किया है। कभी कभी मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास इतनी तरह की चीज़ें हैं, इतनी तरह के तत्व हैं, मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि एक्चुअली में ज्ञान की कमी है और वही उसी ज्ञान को मैं हासिल करने के लिए यहाँ पर अवधूत जी के साथ मौजूद हूँ। मेरा अगला सवाल है ज्योतिष से ही संबंधित है कि ज्योतिष में, जैसे आपने कहा कि ज्योतिष कट सकता है जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ज्योतिष में हम जब देखते हैं कि लोग कुंडलियां मिलाकर शादी कर रहे हैं, लोग कुंडली देखकर भविष्य तय करते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, ये करना चाहिए, और हमने ये भी देखा है कि कुंडली मिलाकर शादी करने के बाद भी शादियां नहीं चल पा रही हैं। मतलब मैं कुंडली की ही बात कर रहा हूं कि सब कुछ निर्धारित होने के बाद कुंडली के तहत वो चीज़ें फलीभूत नहीं हो रही हैं या कट रही हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, जैसा आपने कहा कि कुंडली में जो कुछ है वो कट भी सकता है, कटता कैसे है और फलीभूत क्यों नहीं होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे जी?
और मैं थोड़ा समय लेके इस चीज़ को शुरुआत से समझाना चाहूँगा, बेशक, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल, ये इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजंस हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, जिस पैमाने से या जिस नज़रिए से दुनिया देखती है ज्योतिष को, ज्योतिष वैसा है नहीं। ज्योतिष के इतिहास को अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जो ज्योतिष शास्त्र की रचना करी वो महर्षि भृगु ने करी थी, और भृगु संहिता नामक एक शास्त्र बनाया था जिसके अंदर ज्योतिष के जो भी उनके थ्योरम्स हैं, जो सिद्धांत हैं, जो गणना है, नक्षत्रों के भाव क्या हैं, ग्रहों के भाव क्या हैं, कालचक्र क्या है, इन सब के ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छे से जानकारी दी है। उस ज्योतिष को जब आप देखेंगे तो उसमें नक्षत्रों के ज्ञान के आधार पर व्यक्ति के जीवन में भूत वर्तमान भविष्य की जितनी भी जानकारी वो प्राप्त होती थी। उसके बाद फिर पाराशर आए, ऋषि पाराशर ने अपनी पाराशर संहिता के अंदर, उन्होंने ज्योतिष के अंदर और शोध किया, उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स करे, उन्होंने उसको फिर और रीडिफाइन किया। पाराशर के बाद फिर अनेकानेक और भी कई ऋषि मुनि आए। इनफैक्ट आज की डेट में भी भारत देश में, हमारे इस देश में, मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि हर शहर में 5-10 बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे ज्योतिष के जो आचार्य हैं या साधक हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनकी जानकारी बहुत अच्छी टू द पॉइंट है। लेकिन ये इतना सहज नहीं है। आजकल जिस प्रकार सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्टार्टअप हैं वो 10 मिनट्स कॉल में ज्योतिष रीडिंग करवा रहे हैं, 15 मिनट्स में करा रहे हैं, उसमें होता क्या है कि सामने वाले के पास समय ही कितना है आपकी गणना देखने के लिए, और क्या देखेगा वो, लग्न कुंडली देखेगा, नवमांस कुंडली देखेगा, आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा देखेगा, क्या क्या देख लेगा वो आपका। तो उसमें इंसान मोटी मोटी कुछ बातों पे ध्यान देता है कि कौन सी राशि है, कौन सा लग्न है, दशा किसकी चल रही है, मारक ग्रह कौन से हैं, योग कारक ग्रह कौन से हैं, और थोड़े बहुत आधार में बात कर देते हैं। और जमाने को लगता है कि यही सीमा है ज्योतिष की। ज्योतिष के सिद्धांतों से भी देखा जाए तो किसी व्यक्ति एक दिन में इतने समय पर, किस घंटे में, कितने मिनट पर क्या करेगा, ये तक बताया जा सकता है। लेकिन ये संभावित है, ये गारंटीड नहीं है। और उसका मूलतः कारण ये है, अगर आप देखेंगे, पहली बात तो जो वैदिक ज्योतिष है, जो शास्त्रीय ज्योतिष है, उसके अंदर 70,000 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन एक कुंडली में बनते हैं। यानी अगर कोई भी व्यक्ति, और ये समझना बहुत आसान है, 9 ग्रह हैं, 12 घर हैं, 27 नक्षत्र हैं, 2^n, अगर संभावना की इसकी अगर हम गणना करी जाए, सबसेट का फॉर्मूला है मैथ्स का, 2^n, 2^n के हिसाब से आप निकालोगे तो 70,000-72,000 से ज़्यादा आंसर आएगा। यानी एक कुंडली में एक व्यक्ति देखेगा अगर, तो उसके पास लगभग 70,000 से ज़्यादा बातें कहने को है। अब उन 70,000 बातों में कौन सी बातें ऐसी हैं जो टॉप प्रायोरिटी पे हैं? जैसे एक व्यक्ति जीवन में हो सकता है बीमारी से भी परेशान हो सकता है उसका विवाह का जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो, वैवाहिक जीवन में बहुत संतुष्ट हो, व्यवसाय में बहुत तरक्की कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, लेकिन भाई बहन के साथ संबंध खराब हैं, कोर्ट का केस चल। अब जीवन में कोई एक दो पहलू तो होते नहीं है, लाखों पहलू हैं हर व्यक्ति के। अब उसमें कौन सी बात आपने कहनी है और किस बिंदु पर कहनी है और वो कितनी सटीक होगी, ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी पकड़ कितनी है और आपने कितने बारीकी तक, कितनी गहराई तक उसके कालचक्र की गणना जो है, ग्रहों का जो चाल है उसको देखा है। एक समय की चाल जब आपका जन्म हुआ, लग्न, एक जो अभी जो फिलहाल चल रहा है गोचर, बहुत कुछ है ज्योतिष में अंदर। तो इसलिए भी थोड़ा सा सीमित है क्योंकि आज की डेट में मुझे लगता है कि सहज भाव से ऐसे साधक नहीं है या ज्योतिष के ऐसे जानकार नहीं है जो व्यक्ति को उस गणना उतने माइन्यूट लेवल तक बात कर सकें कि आज दिन में 12 बजे आपके साथ ऐसा होगा। बात मोटी मोटी करी जाती है महीने पर, और वही हेल्पफुल भी है मुझे लगता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को इस बात की आदत लग जाए कि वो किस दिन कितने बजे कितने घंटे पे क्या करेगा, तो वो मुझे, मैं तय, मतलब गारंटी से ये बात कहता हूँ, तय मानिएगा कि वो व्यक्ति अपने ज्योतिष के अधीन हो जाएगा। उसको जीवन में हर की चीज़ के लिए अपना ज्योतिष चाहिए। दूसरी बात, अगर इसको हम तंत्र के दृष्टिकोण से देखें तो ज्योतिष नवग्रह हैं। नवग्रहों के राजा सूर्य हैं, जो इंद्र के समकक्ष माने गए हैं, यानी देवताओं के राजा हैं ये। हमारा जो सनातन संप्रदाय है, इसके अंदर अगर हम हायरार्की देखें तो जो स्वर्ग लोक है वो बहुत नीचे का है, इसके ऊपर ही बड़ी बड़ी शक्तियाँ बैठी हैं। स्वर्ग के जो देवता हैं, इनका राजा इंद्र है, इंद्र सूर्य एक बराबर माने गए हैं। इनके ऊपर आपको प्रजापति दक्ष आते हैं, जो इन सब के अधिपति, प्रजापति दक्ष के ऊपर त्रिदेव आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी जो त्रिदेवियाँ हैं। फिर उसके ऊपर देखा जाए तो उसके ऊपर शिव शक्ति और उसके ऊपर परब्रह्म परमेश्वर। तो मैंने अपने जीवन में नोटिस किया है कि मेरी अपनी कुंडली के अंदर 4 ग्रह मारक हैं,
सबसे खतरनाक सूर्य, मंगल, शनि और बृहस्पति सबसे पावरफुल ग्रह हैं। और बचपन में जब भी कभी मुझे जो मुझे याद है कुछ स्मृतियाँ हैं कि मेरे घर में बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य जबलपुर के जो थे उनका आना जाना था, हम भी किसी के कुछ थे मतलब एक जानकार थे उनके यहाँ जाते थे, और मेरे पूरे परिवार में मतलब मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में भी उनकी बात कभी किसी के लिए नहीं कटी थी, किंतु जब मैं पहली बार गया तो उन्होंने सारी की सारी बातें मेरे लिए गलत बताई। और मतलब काफ़ी हैरानी हुई मेरी माँ मेरे साथ गई थी, मेरी माता जी और मैं गया था, तो हम लोग बात जैसे ही हम लोग कंसल्टेशन के बाद जब बाहर निकले उनके ऑफिस से तो मैंने कहा मेरे को तो सब गलत बताया, उन्होंने सबको तो सही बताते हैं। उस समय पे मैं भी जैसे दुनिया करती कि हम ज्योतिष को जज करने लगते हैं कि इसने गलत बताया, ये व्यक्ति विशेष गड़बड़ है। बात यह है कि हर व्यक्ति की धारा ग्रहों से संचालित 90% चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है और 90% लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति की रुचि एकोंकार में स्थित है, जिसकी रुचि अलक्ष्य में है, जो ब्रह्म की सत्ता पर खेल रहा है, जो ईश्वर से डायरेक्ट जिसका संवाद है, जो दिव्य चेतना या ब्रह्मांडी ऊर्जा के माध्यम से चल रहा है, या जिसको डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, डिवाइन प्लानिंग, किसी आप मान लीजिए ब्रह्मांडीय योजना या किसी दिव्य योजना के तहत कार्यरत हैं, तो फिर ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। और ज्योतिष से ऐसे व्यक्ति का आंकलन करना बहुत कठिन है। और तंत्र में तो ये बात कही जाती है कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है, साधना मार्ग में चल रहा है, जिसने भी अपने इष्ट या गुरु के ऊपर अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, तो फिर ग्रह भी उसका क्या करेंगे। ग्रहों से आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, एक मार्गदर्शन मिल जाता है, एक नॉलेज होती है कि कहाँ हमें बचना है, क्या हमारी वीकनेसेस है और क्या हमारी क्षमता है, जहाँ से हमें प्रहार करना है जीवन में, जिस फील्ड में आगे जाना है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए भी मतलब मैं अगर अपने अनुभव के आधार पर कहूँ तो हर व्यक्ति के लिए ज्योतिष 100% सटीक नहीं होता, 100% सटीक तो मुझे लगता है किसी के लिए भी नहीं होता, बट हर व्यक्ति के लिए यूज़फुल नहीं है ज्योतिष। और जिनके लिए यूज़फुल है उनको फॉलो करना चाहिए। जिनके जीवन में आपने अनुभव कर लिया कि आप कई बार ज्योतिषाचार्यों के पास जा चुके हैं और वो आपको मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो अक्सर लोग मेरे पास भी आते हैं तो यही कहते हैं कि हम बहुत जगह जा चुके हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा। और उनको लगता है कि जो सामने वाले जो ज्योतिषाचार्य थे, जो भी आचार्यां थीं, उन्होंने फीस ले ली, काम नहीं बना। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि हो सकता है कि एलोपैथी आपको ना लगती हो, आप होम्योपैथिक में जा सकते हैं, आपको आयुर्वेद की ज़रूरत है। हर चीज़ का निचोड़ ज्योतिष के पास नहीं है, शायद आपके लिए वो कंपैटिबल नहीं है। इस चीज़ का ध्यान लोग नहीं रखते, मुझे लगता है रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्योतिष से आगे निकल चुके हैं जीवन में, या किसी कारणवश आप ज्योतिष की बाध्यता में नहीं फंस रहे हैं। अब इसका बहुत आसान सा रीज़न भी हो सकता है कि हो सकता है आप जिस जानकारी पे कि जन्म के दिनांक और समय और जन्म का स्थान आपके माता पिता ने आपको बताया, तो आप आँख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, हो सकता है वो गलत हो, ये भी तो कारण हो सकता है। तो इस प्रकार ज्योतिष मेरे को लगता है कि इसकी ये परिधि है, कहाँ तक जा सकता है, तो बहुत आगे तक जा सकता है, प्रोवाइडेड देखने वाला वैसा हो। और आज की डेट में, क्योंकि मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कहूँ, उस लेवल तक जहाँ जब मैंने रिसर्च करी, हालांकि जिस प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ वो तो तंत्र का ज्योतिष है, उसमें इतना योग और दोष और कैलकुलेशन गणना रहती नहीं है, उसमें देख के डायरेक्ट आपको नॉलेज आती है और आप बोलते हो, उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। खैर, क्योंकि मेरे जीवन में क्या हुआ, ज्योतिष पैदा हो गया साधना के परिणाम स्वरूप। अब लोगों से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे कनेक्ट करने के लिए उनको एक मीडियम तो बताना ना कि मैं क्या करता हूँ, तो फिर मैंने ज्योतिष बोलना शुरू किया। अब जब ज्योतिष बता दिया तो अक्सर ऐसा होता था कि कुछ लोग को जानकारी होती है ज्योतिष की, तो वो आपसे डायरेक्ट प्रश्न करते हैं कि अरे मेरा बुध तो अष्टम भाव में बैठा हुआ है मीन राशि के अंदर, फलाने का ऐसा गोचर हो रहा है, इसकी महादशा चल रही है, उसकी अंतरदशा। मुझे नॉलेज थी नहीं, पर मैं रीडिंग्स बताता था, तो ये जो कम्युनिकेशन गैप था इसको कवर करने के लिए मैंने वैदिक ज्योतिष पढ़ना शुरू किया और मैंने उसमें रिसर्च करी। और मेरी समझ में ये आया कि अगर मैं जैसे मान लीजिए आपके साथ बैठा हूँ और आपके जीवन के अंदर एक एक दिन एक एक घंटे की अगर मुझे गणना करनी है तो लगभग 3 से 4 घंटे मुझे लगेंगे। मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, किसी के लिए कम भी हो सकते हैं, किसी के लिए ज़्यादा, पर मुझे अगर वो बताना तो 3 से 4 घंटे एकांत में, जहाँ मुझे ज़रा भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सिर्फ आपकी पत्री हो और मेरे पास काल गणना और पंचांग हो और कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, किसकी कहाँ क्या अवस्था ये हो, और जब मैं वो सब पहलुओं पर देख लूँगा तब मैं एक प्रॉबिबिलिटी आपको दे सकता हूँ कि हाँ ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं, गारंटी तब भी नहीं है। और इतना समय आज की डेट में अगर इस प्रकार गणना करने लग गए लोग तो फिर दिन में शायद 1-2 लोगों से ही मुलाकात हो पाए हमारी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्योतिष को जब भी आप यूज़ करें, ये ज्योतिष का सहारा लें जीवन में, मतलब ये एक अच्छा विज्ञान है, एक अच्छी साइंस है, इससे बहुत मदद होती है, डायरेक्शन मिलता है, इंडिकेटिव होता है। लेकिन ये उसी प्रकार है कि आप बाइक पर जैसे चलाते हैं तो आप बाइक के ऊपर आँख बंद करके और पूरा सोते हुए बाइक नहीं चला सकते, नहीं तो आपके जीवन का काल बन जाएगा वो।
बाइक आपको ढो रही है लेकिन चलाना आपको ही पड़ेगा। उसी प्रकार ज्योतिष भी एक वाहन की तरह है। आप अपने जीवन में इस वाहन के ऊपर अगर स्थिर हैं तो इस पर भरोसा करके चलिए, लेकिन आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि ये किस दिशा में जा रहा है और आपको कहाँ इसको कब रोकना है, कब किस व्यक्ति से ज्योतिष के बारे में चर्चा करनी है, कब किससे नहीं करनी, किसकी बात माननी है किसकी बात नहीं माननी है, और आप अपनी लाइफ में इससे रिलेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखते हुए ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए। मतलब ज्योतिष की भी अपनी सीमाएं हैं। बिल्कुल हैं, और ज्योतिष कट भी जाता है। यस एब्सोल्युटली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ज्योतिष में नहीं पता चलती हैं। जैसे मेरी समझ में मुझे लगता है कि अपनी मृत्यु का, जन्म और मृत्यु, विवाह की जहाँ तक बात है, कुछ बड़ी घटनाएं जीवन में होती हैं, ज्योतिष आपको ये तो बता सकता है कि किस व्यक्ति के जीवन में विवाह के योग कब बन रहे हैं। और ये जीवन में बहुत बार बनते हैं, ऐसा नहीं कि, और अक्सर हमने देखा भी है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शायद एक बार शादी होती है, दो बार शादी होती है, या कभी कभी किसी किसी की शादी होते होते टूट जाती है फिर दोबारा विवाह होता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये कोई फिक्स डेट है कि ज्योतिष में किसने देख के बता दिया कि भाई फलानी फलानी डेट में तो आपकी शादी हो गई, उस दिन अगर आपने शादी नहीं करी तो फिर सारी उम्र बंदर होता रहेगी, मैं तो अब कुंवारा रहूँगा, ऐसा नहीं है। ये योग बताता है और इससे हमें समझने की इंडिकेटिव साइंस है, इसमें कुछ भी प्रिसाइज और एब्सोल्यूट नहीं है, ये इंडिकेशन है कि हाँ इस समय पे आपके योग बन रहे हैं, आपका स्थानांतरण हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, कोई भी घटना है उसकी संभावना के ऊपर आधारित है। अब जैसे हमने ज्योतिष की बात की तो ज्योतिष में आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि कहाँ से किस तरह से ग्रह नक्षत्र और तमाम चीज़ों की आपने बात की। एक थोड़ी देर पहले हमने एक शब्द जो अभी हमने सुना और समझा वो है कि आभामंडल का अवलोकन। आप ज्योतिष को जिस तरह से आप अप्रोच करते हैं और उसको अप्रोच करके किसी के लिए अगर आपको कुछ बताना है, कुछ आपको प्रिडिक्ट करना है, तो आप उसके लिए कुंडली के अलावा आपने जो साधा है जिसे काल ज्ञान साधना कहते हैं, वो सामान्य ज्योतिष से किस तरह अलग है? जी, मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स को याद होगा कि जो मोस्ट रीसेंट पॉडकास्ट और बहुत सक्सेसफुल पॉडकास्ट हमारा शुद्ध लोकल के चैनल पे जो अपलोड हुआ उसमें हमने बात करी इस विषय पे। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस ये बताऊंगा कि काल ज्ञान की साधना एक ऐसी साधना है जो दत्तात्रेय तंत्र के अंतर्गत आती है। ये व्यक्ति को काल का ज्ञान कराती है, काल यानी टाइम। इस साधना के अंतर्गत कुछ अनुभूतियाँ मेरे जीवन में शुरू हुई जिससे मुझे किसी भी व्यक्ति के बारे में भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी मिलती है। इसका मैं अगर आपको, मतलब टेक्निकल तो मैं बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, इसकी फिलॉसफी समझनी है अगर तो इसका सिद्धांत टिका हुआ इस आधार पे कि इस संसार में नव ग्रह तो सभी के समान है। जो आपके सूर्य मंगल बुध हैं वही मेरे सूर्य मंगल बुध हैं। अगर मैं इन नव ग्रहों को काल ज्ञान की साधना से, मुझे काल का ज्ञान हो रहा है, काल बदलना जो है हर समय हर क्षण व्यक्ति बदल रहा है, आज हम जो बात कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंज जो भी आते हैं, परिवर्तन कितने प्रकार का हो सकता है। अभी हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के आपके साथ बात कर रहे हैं, हो सकता है इसके बाद मैं अपने घर चले जाऊँ, हो सकता है मैं आपके घर चले जाऊँ, हो सकता है हम दोनों अपने घर न जाएँ कहीं तीसरे स्थान पर चला जाएँ, ये संभावना है। अब वो क्या घटना घटेगी ये सब नौ ग्रहों के हाथ में है, और नौ ग्रहों के हाथ में अपनी अपनी, इनके अपने अपने स्वभाव हैं, अपनी अपनी फील्ड हैं, अपने अपने इनके गुण हैं और सबके अपने अपने नेचर है। तो अगर ये नौ ग्रह गुरु हैं तो मैं अपने नौ ग्रह जिनको मैं अपना गुरु बना के, आपका भी नौ ग्रह वही है तो मैं आपकी जानकारी उनसे प्राप्त करता हूँ। ग्रहों को इसमें माध्यम बनाया जाता है और ग्रहों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है। एक ले मैन के लिए जिसको ज़रा भी जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति अगर मुझे सुन रहा है और अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि मेरी क्या विधि है, तो देखिए जिसके पास अगर कुंडली की जानकारी है तो कुंडली में देखता हूँ, क्योंकि कुंडली से बहुत प्रिसाइजली आप एक स्पेसिफिक, क्योंकि वो डिज़ाइंड है, उसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसमें गुरुओं ने बहुत मेहनत करी है, आचार्यों ने, तो उनकी रिसर्च से हमें फ़ायदा होता है, वो ईजी हो जाता है मेरे लिए। अगर वो नहीं है, सिर्फ किसी के पास अगर जन्म की दिनांक है, तो फिर हम अंक ज्योतिष का सहारा लेते हैं, न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं। बहुत से लोगों को अपनी कार के नंबर्स के लिए, अपने ऑफिस के नंबर्स के लिए, फ्लैट नंबर के लिए, हाउस नंबर के लिए, या मोबाइल नंबर के लिए, या नेम करेक्शन भी कराना होता है, कभी कभी वो बाधा बनता है आपके जीवन में। न्यूमरोलॉजी का भी एक इम्पैक्ट है, अंक ज्योतिष भी ज़रूरी है। तो एक तो वो तरीका है कि अंक ज्योतिष के माध्यम से जीवन के अगर कोई प्रश्न है या उत्तर हैं तो उसको हम करते हैं। अगर किसी के पास ये जानकारी भी नहीं, तो जैसा आपने बताया कि आभामंडल देखने का एक माध्यम होता है, एक तरीका होता है, उस आभामंडल को देख के व्यक्ति की जो जो जानकारी हमें मिलती है उसको बता सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसी अवस्था है जिसमें मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं किसी का आभामंडल नहीं इंट्रूड कर पाता हूँ। जैसे तंत्र को जानने वाले जो लोग हैं, आप जानते हैं कि शरीर का रक्षा कवच बनाया जाता है, एक शील्डिंग करी जाती है। हर साधक या जो लोग इस मार्ग में हैं, या प्राकृतिक रूप से भी कुछ लोगों का आभामंडल प्रोटेक्टेड होता है, कवच होता है।
आपके इष्ट के द्वारा, आपके पितरों के द्वारा ऐसी कुछ तमाम शक्तियाँ जो करती हैं, या आपने कुछ ऐसा कवच, रक्षा कवच पहना हुआ उसकी वजह से, ऐसे व्यक्तियों के आभा मंडल को रीड करना, इंट्रूड करना, उनकी परिधि के अंदर जाके घुसना कठिन होता है, तो उनको हम रीड नहीं कर पाते। एक ये कारण है, इसके अलावा और भी अनेक कारण हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई कारण है तो फिर अंत में वही सोल्यूशन बचता है गुरुओं से पूछने का। अक्सर लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि उंगलियों पे आप ये क्या गिनते हो, और कुछ लोगों से मैं पूछता भी हूँ कि 1 और 9 के बीच में एक नंबर बताइए जो आपके मन में आ जाए। अब 1 से 9 नंबर नव ग्रहों से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नंबर मुझे व्यक्ति बताता है, अगर 1 से 9 में आपने मुझे 4 नंबर दिया, 4 नंबर राहु का है, तो राहु देव जो मेरे गुरु हैं, मैं उनसे प्रश्न करूंगा कि इस समय इस व्यक्ति के मन में क्या बाधा है और उसके लिए मुझे क्या बोलना है। उसके बाद जो भी मुझे प्राप्त होता है वो सहज रूप से बिना दिमाग लगाए कि वो सही है गलत है, अभी सटीक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति मेरे पास बहुत गरीब है और पैसे की बाधा लेके आए, और मुझे ये ज्ञान मिल रहा है कि ये अगले 10 दिन के अंदर शायद कोई 5 करोड़ की कार लेने वाला है, तो उसमें फिर दिमाग भी नहीं लगाना है, वो इंट्यूटिव गाइडेंस है। आपको सहज रूप से वो बात कहनी है, भली वो बैंकरप्ट है आज की डेट में, लेकिन 10 अगर आपको लग रहा है तो आप बोलिए कि 10 दिन बाद आप 5 करोड़ की कार लेंगे। तो ये वो तरीका है। तो ये कुछ तमाम तरीके हैं जिसके माध्यम से गुरु कृपा से अगर कोई भी आता है तो जो भी जानकारी उनके पास है, जो भी सीमित जानकारी भी, उसके माध्यम से उनके प्रश्नों के उत्तर करने का प्रयास करते हैं। काल ज्ञान साधना के बारे में पूछने के पीछे जो मेरा मोटिव था, मैं अब आपको क्लियर करता हूँ। जैसे आपने बताया कि ज्योतिष की एक सीमा है, ज्योतिष ये तो बता सकता है कि विवाह का योग है, इस महीने विवाह हो सकता है, इस दिन हो सकता है, जी, ये नहीं बता सकता कि किसके साथ होगा। काल ज्ञान साधना क्या इंसान को ये ताकत देती है बताने की कि जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह हो सकता है वो किस दिशा में, कहाँ, किस तरह का होगा? क्या ये काल ज्ञान साधना में संभव है? ये तो मुझे लगता है कि वैदिक ज्योतिष, ये जितने प्रकार के भी ज्योतिष हैं, आजकल KP एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, होरा का ज्ञान देख के किया जाता है, लाल किताब ज्योतिष एक वो अलग विज्ञान है, हनुमान ज्योतिष वो एक अलग विज्ञान है, उसमें चक्र देख के बताया जाता है, हजारों प्रकार के ज्योतिष हैं। किस व्यक्ति से आपका, जो जिस व्यक्ति से विवाह होना है उसके गुण, लक्षण, स्थान, दिशा, ये सब बताई जा सकती है सहज रूप से ज्योतिष से, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो काल ज्ञान की साधना, वो आपको उस व्यक्ति के सजीव दर्शन भी करा सकती है, ये फ़र्क है। आपको उस व्यक्ति, हो सकता है आपको नाम ना पता हो, लेकिन अगर आप चेहरा देखेंगे, ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि लोग प्रश्न करते हैं और मुझे किसी, कोई गाड़ी दिखी मान लीजिए, या कोई घर दिखा, तो मैं उनसे फिर प्रश्न करता हूँ और फिर हम उसको रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि मेरे घर में पैसे की चोरी हुई है, 5 लाख रुपये घर में रखे थे, चोरी हो गई। अब इनके पास चोरी हुई है, घर में सब लोग रह रहे हैं, किसकी कुंडली से देखा, ये प्रश्न कुंडली से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो पैसा किसका है, घर का पैसा है, 3 भाई रह रहे हैं घर में, माता पिता भी रह रहे हैं, उनके बच्चे भी रह रहे हैं, बीवी भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, हाउस भी, डोमेस्टिक हेल्प वगैरह भी है, कितनों की कुंडली देखो, और कुंडली संबंधित ही है नहीं, ये वास्तु संबंधित है, ये स्थान से संबंधित है। तो उस केस में मान लीजिए मैंने उनसे जानकारी मांगी कि आपका हाउस नंबर क्या है, फिर जो अपनी प्रोसेस है, अब उसके बाद मान लीजिए मुझे अगर दिख रहा है कि एक कहीं पौधा रखा हुआ है, कहीं कुछ अलमारी है, उसके रंग ऐसा है, या कोई गाड़ी दिख रही है उसमें यहाँ पे डेंट है, इस कलर का है, या कोई व्यक्ति विशेष दिख रहा है जिसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो दिखावा है उसका, जो बाल के रंग कैसे हैं, उम्र कितनी लग रही है, कपड़े किस प्रकार के पहने, ये बात पूछ के रिलेट किया जाता है सामने वाले से। कई बार लोग चौंक जाते हैं कि मतलब ये तो मेरा घर है, अच्छा तो आपका घर है, तो ये इसमें यहाँ यहाँ पे देखो पैसे रखे हुए हैं, चोरी नहीं हुए हैं, पैसे यहाँ रखे हैं, मिल भी जाता है। तो मैं इसको इस तरीके से फ़ायदा देखता हूँ कि उन लोगों की भी मदद इस प्रकार हो जाती है जिन बेचारों के पास अपनी जानकारी नहीं है। अक्सर लोग सोचते नहीं होंगे, लेकिन अगर सोचा जाए तो समाज में भले ही बहुत छोटा वर्ग हो, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जो ऑर्फनेज से निकलता है, जो अनाथ आश्रम से आता है। मेरे पास बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो ऑर्फनेज में रहे हैं, उनके माता पिता ही नहीं है, तो उनको जो ज्ञान पता भी है तो उसके लिए दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि सच में वही उनका जन्म का दिन है और समय है कि नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अगर कोई गाइडेंस चाहिए, कोई ज्योतिष की बाध्यता है, ज्योतिष ही उनकी मदद नहीं कर सकते, ना अंक ज्योतिष वाले कर सकते हैं, ना कुंडली वाले कर सकते हैं। हाँ, कोई अगर पामिस्ट है, हस्तरेखा विशेषज्ञ है, तो वो कर सकता है, और हस्तरेखा का मतलब उसकी भी फिर अपनी अब सीमा, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी पर्वत ग्रह और उन पर ही सीमित है। तो इस प्रकार की विद्या से मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं लोगों के प्रश्नों के उत्तर कर पाता हूँ, तो प्रिसाइजली कर, ये विद्या जो भी बताती है बहुत प्रिसाइज बताती है। ज्योतिष में ही हम देखते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि अलग अलग आचार्यों और ज्योतिषों के पास जाओ तो सबका एक अलग अलग अनुभव होता है व्यक्ति के साथ, और जैसे हम अक्सर आम बोलचाल की भाषा में सुनते हैं कि काल सर्प का दोष होता है कुंडली में, ऐसा कई बार हुआ है और कई बार मैंने देखा भी और अनुभव भी किया है कि किसी ने बताया कि आपको काल सर्प है, कुंडली देखकर बता दिया, वहीं दूसरा ज्योतिष कहता है कि नहीं आपको काल सर्प नहीं है,
जबकि राहु केतु आमने सामने और सारे ग्रह जो है उनके बीच में है। दशा काल सर्प की दिख रही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कह रहा है काल सर्प नहीं है, वो कहता है डिग्री थोड़ी सी डिफरेंट है, ये क्या खेल है? हाँ, मेरे ख्याल से ये बात हमारे उन देखने वालों के लिए, ऑडियंस के लिए है, दर्शकों के लिए है जिनको ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान है। बाकी लोगों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। काल सर्प दोष एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, कुंडली में नव ग्रह में सात ग्रह अपनी संरचना कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन राहु केतु हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं। हम सब जानते हैं कि राहु केतु एक ही शरीर के दो अंग हैं, जो धड़ है वो केतु है, जो सिर है वो राहु है, इसलिए हमेशा आमने सामने होते हैं। जिस भी घर में राहु बैठेगा उसके सप्तम भाव में, उससे सेवंथ हाउस में केतु रहेगा, और जहाँ केतु उससे सेवंथ हाउस में राहु रहेगा। ये फिक्स्ड, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं है अक्रॉस द ग्लोब किसी भी ज्योतिष में। अब इनके मध्य में अगर ये मान लीजिए पहले घर में राहु बैठा और सप्तम भाव में केतु बैठा है, अब अगर इनके लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी तरीके से मध्य में बाकी अगर सात ग्रह आ जाते हैं तो माना जाता है कि काल सर्प दोष है। बाय द वे ये वैदिक ज्योतिष के अनुसार है, तंत्र ज्योतिष में ना कोई योग होते और ना कोई दोष होते हैं, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं जिसको मैं फॉलो करता हूं, जो द प्रोसेस दैट आई फॉलो। समझा इसलिए रहा हूं मैं वैदिक के हिसाब से क्योंकि आपका प्रश्न वैदिक ज्योतिष पर आधारित है जी, और तंत्र के हिसाब से तो कोई काल सर्प या कोई भी ऐसा दोष होता नहीं है। तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, अगर एक घर में एक भाव में राहु और दूसरे उसके ऑपोजिट सेवंथ हाउस में केतु अकेले बैठे हैं तब तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सारे ग्रह आपको एक तरफ दिख रहे हैं, क्लियर कट काल सर्प दोष है। बाधा वहां उत्पन्न होती है जहां पे आपको राहु और केतु के साथ अन्य ग्रह बैठे हैं। अब मान लीजिए, समझने वाली बात है, मान लीजिए 360 डिग्री का सर्कल होता है, सूर्य बीच में है, चारों तरफ ग्रह हैं, जो गोला बनता है इसको अगर डिवाइड करें हम अगर एंगल्स के हिसाब से तो 12 डिफरेंट भाव हैं कुंडली के, हर भाव को 30 डिग्री मिली है, 360 डिग्री होती है टोटल। अब इस 30 डिग्री के अंदर भी प्रिसाइजली कहाँ है, मान लीजिए अगर इस प्रकार का एक भाव है कुंडली में समझने के हिसाब से, अब हो सकता है कि राहु 6 डिग्री पे बैठा हो, चंद्रमा 16 डिग्री पे बैठा हो, 30 डिग्री के अंदर हो सकता है ऐसा। अब ये बहुत प्रिसाइज चीज़ है जो लोग अक्सर देखते हैं, कई लोग नहीं देखते। अब इसमें अगर ये देखा जाए कि कोई एक ग्रह ऐसा है जो डिग्री में राहु के बाहर चला गया है, यानी बाकी के 6 ग्रह जो हैं वो राहु केतु के अंदर लेकिन एक उसकी डिग्री से बाहर जा रहा है, तब वहाँ पे आंशिक एक प्रकार से कालसर दोष तो तब भी लगेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो उसके दबाव में आ गए हैं। एक आध अगर बाहर भी तो उसको आंशिक बोला जा सकता है लगभग, मतलब उसमें ये तो नहीं कहूँगा मैं कि बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं दिखेगा कालसर्प दोष का, दिखेगा लेकिन उस हिसाब से नहीं दिखेगा जैसे पूर्ण कालसर्प दोष में किसी का होता है, और वाइस वर्सा भी है। ये राहु के साथ भी डिग्री का फेरबदल हो सकता है, केतु के साथ भी डिग्री का फेरबदल हो सकता है। दूसरा, अब इसके अंदर भी एक्चुअली बाधा ये है कि हर फिलॉसफी की अपनी अपनी कुछ, मतलब अपने अपने सिद्धांत हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि सभी गुरुजन हैं, लेकिन बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं और वो केपी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, और भी मतलब उनके ज्योतिष के जो जिन किताबों के माध्यम से या जिन पद्धति से उन्होंने के ज्योतिष को सीखा है, उनका ये मानना है कि अगर व्यक्ति का चंद्र बहुत मजबूत है, भयंकर योग कारक है, और वो अगर किसी भी प्रकार से काल सर्प दोष के अंदर केंद्र के भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को काल सर्प दोष नहीं लगेगा, ऐसा उन्होंने अपनी वेबसाइट में भी लिखा हुआ है, अपनी किताब में भी लिखा हुआ है, और भारत में मतलब अच्छी रिस्पेक्ट है उनकी इस चीज़ के लिए, माना जाता है। मैं खुद उनको मानता हूँ कि ज्योतिष में अच्छी नॉलेज है, लेकिन मेरे अपने जीवन के अनुभव मैंने कई बार ऐसा देखा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी ग्रह आपका अच्छा हो बुरा हो। और एक्चुअली बाधा क्या है ना कि ज्योतिष के अंदर इतने वेरिएबल्स हैं, सबके अपने इफ्स एंड बट्स हैं, तो आप किसको फॉलो करो किसको ना फॉलो करो। बट हाँ, काल सर्प दोष के अंदर ये जो मुझे लगता है वो ये ज़रूर है कि डिग्री अगर आपने देखी है, एक घर में दो ग्रह बैठे हैं, तीन ग्रह बैठे हैं, पांच ग्रह भी बैठ सकते हैं, आप जब तक डिग्री डिफाइन नहीं कर रहे हो, अगर राहु केतु की डिग्री के अंदर है सभी तब तो कोई दिक्कत नहीं, काल सर्प दोष है, आप आंख बंद करके कह दीजिए, लेकिन अगर बाहर है तो इस बात को ध्यान रखना है। और कौन सा ग्रह बाहर है, क्योंकि ये भी मैंने अपने अनुभव में देखा कि जो ग्रह बाहर है यानी वो बचा रहा है आपको काल सर्प दोष से, और हर ग्रह का संबंध है हमारे जीवन में। अगर सूर्य बचा रहा है तो यानी पिता की रक्षा सेवा करिए, पिता आपके बहुत सहारे हैं, आपके भाग्य उदय का कारण बन सकते हैं। अगर चंद्रमा ने बचाया है तो माँ, मंगल ने बचाया तो भाई बहन, अगर आपके बुध ने बचाया तो आपका छोटा कोई बच्चा है, बेटी है परिवार की वो, अगर शुक्र ने बचाया तो आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी, अगर राहु ने बचाया है तो आपके साथ जो दोस्त यार घूमते हैं जिनके साथ आप जीवन सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, चाहे कॉलीग्स हो या कुछ भी हो। केतु ने बचाया है तो ऐसे लोग जिनके साथ आप आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े हो, या जिनके साथ आप ऐसे काम करते हैं जो गुप्त रखते हैं, जो सबको सीक्रेटली इनके साथ काम करते हैं, जैसे कुछ लोग अपने फ्रेंड्स साथ जाते हैं, बाइक राइड पे जा रहे हैं, रात में 2 बजे कार ड्राइव करने जा रहे हैं, तो ये हर ग्रह का अपना एक रिलेशन है, और ऐसे लोगों से जीवन में जुड़कर रखना चाहिए क्योंकि ये आपके जीवन में आपको इतनी बड़ी बाधा से बचा रहे हैं, तो ये आपके भाग्योदय का सूत्र हो सकते हैं।
ये काल सर्प दोष के बारे में मेरी फाइंडिंग्स हैं। ज्योतिष में ही आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज्योतिष पर ये पॉडकास्ट है। सवाल तो बहुत सारे हैं दिमाग में। हमने देखा अक्सर कि किसी किसी को मंगल दोष होता है और कहा जाता है कि एक काम करो, इसका घट विवाह कर दो या श्वान के साथ विवाह कर दो या किसी पेड़ के साथ विवाह कर दो। किसी आचार्य ने कहा है या किसी गुरु ने कहा है तो हम उनके भरोसे पे अपना भरोसा हम टिकाकर हम उसे फॉलो कर लेते हैं। लेकिन ये जो है घट विवाह कराना या श्वान से विवाह कराना या पेड़ से विवाह कराना, आखिर ये क्यों है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? सही प्रश्न है आपका। अच्छा, मैं आप सभी को बात बताना चाहता हूँ, जो भी प्रश्न मुझसे पूछे जा रहे हैं मैं उस पर अपना एक जो मेरा विचारधारा है मैं वो रख रहा हूँ। गलती से भी ये मत मान लीजिएगा कि इन सभी विषयों पर मेरी कोई सहमति है कि मैं अग्री कर रहा हूँ इनसे। मैं अपनी विचारधारा रख रहा हूँ। कौन से दोष होते हैं कौन से नहीं होते इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूँ कि जो पद्धति मैं फॉलो करता हूँ या जिस रास्ते हम चलते हैं तंत्र ज्योतिष में, उसमें योग दोष होते भी अगर ना तो उसको हम मानते नहीं। कोई खास उतनी वेटेज योग और दोष पर नहीं दी जाती। लेकिन अगर आप वेटेज नहीं देते हैं जी, और आपके पास कोई व्यक्ति आया और उसके साथ वो बाधा है लेकिन आप उसे वेटेज नहीं देते हैं, तो मैं बता देता हूं उनको, मतलब ये जानने वाले जानते हैं बात कि मैं बता देता हूँ कि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से तो देखो आप, ग्रहण दोष बन रहा है, पितृ दोष बन रहा है, मंगल दोष बन रहा है, काल सर्प दोष बन रहा है, बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, विपरीत राजयोग बन रहा है, क्योंकि मेरी रिसर्च है तो मैं बता देता हूँ। हालांकि एट द सेम टाइम मैं उनको ये भी बताता हूँ कि ये वैदिक ज्योतिष से हो रहा है, मैं वैदिक ज्योतिष वाला नहीं हूँ, तो मेरी कहानी अलग है। और ये मैं इसलिए बताता हूँ बिकॉज बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शायद पहली बार ज्योतिष के लिए मेरे पास आ रहे हैं, पहले कहीं ना कहीं गए होते हैं। उनको अगर किसी ने बताया, वो मान लीजिए किसी को गज केसरी योग है, वैदिक ज्योतिष ने बताया कि आपको तो गज केसरी योग है, आप व्यापार में पैसे लगाओ, आपके तो दिन दोगुनी रात चौगुनी। अब वो व्यक्ति मेरे पास है और मैं उन्हें मना करता हूँ कि आप खबरदार, अभी समय ठीक नहीं चल रहा, पैसे मत लगाइएगा, पैसे डूब जाएंगे, तो उनको ये बात समझ में नहीं आती है और वो फिर बताते हैं कि किसी ने तो बताया था गज केसरी योग है। तो उनकी इस जो शंका है, जो डाउट उनके मन में है, इसको क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी कि मैं उनको ये बात बताऊं कि मुझे भी समझ में आता है जो आप कह रहे हो गज केसरी योग, क्योंकि वैदिक ज्योतिष मैंने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन जो मेरी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग क्यों अभी नहीं करना है वो मैं उनको क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो तंत्र ज्योतिष जो है वो वैदिक ज्योतिष से बहुत अलग, 1-2% नहीं, पूरा ही अलग है। मेरे ख्याल पूरा अलग है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहला जो सबसे मूल जो फर्क है दोनों के बीच में, वैदिक ज्योतिष इज एज गुड एज मैथमेटिक्स, कि जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो एक रिजल्ट पे पहुंचते हो, मैथ्स के अंदर हम करते हैं ना स्कूल में 9वीं 10th के बाद से मेरे ख्याल शुरू हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह, वैदिक ज्योतिष लगभग वैसे ही है। तंत्र ज्योतिष तभी काम करेगा जब आप दिमाग को शांत रखोगे। आपने जहां दिमाग एक्टिव किया, जहां आपका बायस आया, तंत्र ज्योतिष इसमें बिलीव करता है कि इट्स अ साइकिक गाइडेंस, आपको आएगी जो आ रहा है ज्ञान वो बक कैसे बोल देना है विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। यहाँ कोई गणना नहीं है, यहाँ कोई गणना नहीं, गणना करने से आप गलत बोल दोगे। जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया अभी कि कोई व्यक्ति वो बैंकरप्ट है और आपको पता चल रहा है कि 10 दिन बाद ये व्यक्ति कोई बड़ा एसेट खरीदने वाला है 5-10 करोड़ का, कैसे बोलोगे? अगर आपने दिमाग लगा दिया तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल पर वापस आ जाएंगे। वैदिक ज्योतिष में काल सर्प है, तंत्र ज्योतिष कह रहा है कि भाई कोई दोष नहीं होता, कोई योग नहीं होता, लेकिन उसे काल सर्प से जो बाधाएं उत्पन्न होने वाली है, तंत्र ज्योतिष क्या वो बता देगा उसे? बिल्कुल बिल्कुल बताता है, रिजल्ट सेम रहेंगे, यही बाधा है मेरे। और काफी ऐसे लोग हैं, क्योंकि अब तो 4.5-5 साल होने को आ रहा है, अवधूत आनंद चैनल भी पुराना होता जा रहा है, और ज्योतिष के माध्यम से मुझसे लोग पिछले 11-11.5 साल से जुड़े हुए हैं, 2013 के बाद से लगभग अभी तक जुड़े हुए हैं लोग, जब से ये काम शुरू किया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद ज्योतिष सीखे हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्रीज करी हुई हैं, 3-3, 4-4 साल के कोर्स करें, ऐसा वैसा नहीं कि बस कोई वीडियो या कोई वर्कशॉप अटेंड कर लिया 2 घंटे का और ज्योतिष बन गए। और वो अक्सर मुझसे इस बारे में डिस्कशन करते हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं, कुछ कॉलीग्स हैं, कुछ ऐसे मेरे साधक साधना मार्ग में भी हैं, तो वो प्रश्न अक्सर करते हैं। और वहाँ पे जो संवाद होता है वो इसी हिसाब से होता है कि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से 1+1=2 हो रहा है, इसलिए ये जीवन में रिजल्ट आ रहा है। आपके हिसाब से भले वो कुछ भी गणना नहीं है, लेकिन रिजल्ट तब भी वही आएगा। मतलब 90% 10 में से 9 चीज़ें अगर मैं किसी को बताऊं और कोई साथ में वैदिक ज्योतिष अगर उसके बाद बताए, तो मुझे लगता है कि 10 में से 9 चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। कैलकुलेशन अलग है, प्रोसेस अलग है, रास्ता दोनों का सेम है। अगर आपकी कोई बाधा इस तरह की, कोई ज्योतिष से जुड़ा कोई प्रश्न है, तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हम समाधान पर बनाएंगे। जैसे यूनिवर्सल जो रेमेडीज़ होती हैं, हम उस समस्या से जुड़ी हुई यूनिवर्सल रेमेडीज़ देंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो सवाल है वो कमेंट सेक्शन में पूछिए ज़रूर। जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे तो जवाब कहाँ से मिलेगा? वापस आते हैं उस प्रश्न में।
जहां हम बात कर रहे थे जी कि कुकुर से शादी कर देते हैं, श्वान से yes. शादी कर देते हैं, घड़े से शादी कर देते हैं, पेड़ से शादी कर देते हैं, और ये सब मंगल दोष की वजह से कहा जाता है, वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं जी। तो ये क्यों करते हैं और क्या है इसके पीछे रीजन क्या है, और इससे क्या होता है कि चलिए कर दिया और फिर कहते हैं कि चलिए अब शादी चल जाएगी। जी हाँ, अब अगेन बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस हैं तो मुझे थोड़ा सा टेक्निकलिटीज में जाके शुरुआत से बताना पड़ेगा। देखिए, मंगल से शुरू करते हैं। मंगल दोष पर जाने के लिए समझना पड़ेगा मंगल क्या है। मंगल एक ऐसा ग्रह है ज्योतिष मानता है जो धरती का ही टुकड़ा है। धरती का एक टुकड़ा टूटा, स्पेस में आया, हम सब जानते हैं कि एयर इंडेक्स होता है, आग लग जाती किसी भी चीज़ में, तो ये जो टुकड़ा था धरती का, धरती पुत्र है, इसको अंगारक नाम पड़ गया। मंगल का मूल मंत्र नाम है अंगारक, ओम अंगारकाय नमः इसका मूल मंत्र है। तो अंगारक क्यों इसलिए बोलते हैं, क्योंकि अंगारे की तरह देखता है और धरती का पुत्र है। ग्रहों को जब देवी देवता के परस्पेक्टिव से देखते हैं तो ये माना जाता है कि सूर्य है राजा, चंद्र है रानी, बृहस्पति जो है वो इनके गुरु हैं, देवगुरु, बुद्ध जो है इनकी संतान है, प्रिंस या प्रिंसेस मान लीजिए। इन प्रिंस या प्रिंसेस का जो काउंटर पार्ट है, प्रिंस है तो इनकी जो प्रिंसेस है वो हो गई शुक्र। जो केतु है वो इसी परिवार का एक ऐसा बच्चा है जो सौतेला टाइप का है, जो घर से छोड़ के विरक्त भाव में निकल गया है और वो अपनी ही कुछ खोज में है, उसे मतलब नहीं है। राहु वो खबरी है जो, अच्छा शनि जो है वो दंड नायक है, मंगल जो है वो सेना नायक है, सेनापति है, योद्धा है, और राहु जो है वो इस पूरे राज्य को चलाने के लिए जो मेन इंटेल चाहिए, जो इम्पोर्टेंस डिसीजंस हैं, जो छुप के करने वाले काम है, जो जनरली मुखबिर लोग या जो ऐसे एजेंट्स होते हैं जो करते हैं, वो राहु है। ये नवग्रहों का छोटा छोटा, मैंने कोई ग्रह छोड़ा नहीं मेरे ख्याल, सारे आ गए, ये ऐसी एक संरचना मानी जाती है। चंद्रमा शायद, चंद्रमा रानी है, माँ है। अब मंगल योद्धा है, तो मंगल की वजह से हर व्यक्ति के अंदर जो करेज है, जो शौर्य है, जो बॉडी की फिजिकल इम्यूनिटी है, जो क्षमता है, ताकत है, स्ट्रक्चर है, बात में वजन है, जो साहस है, ये मंगल की वजह से। मंगल का मूल स्वभाव क्या है कि ये समर्पित है। योद्धा अपनी जान की परवाह करे, अपने परिवार की परवाह करे तो लड़ नहीं सकता, जीत नहीं सकता, जान न्यौछावर करने वाला। तो मंगल व्यक्ति को बहुत दिलेर बनाता है। मंगल की वजह से व्यक्ति के शरीर में गर्मी होती है, अग्रेशन होता है, गुस्सा होता है। और ये मान्यता है कि जब दो लोगों का विवाह होता है तो उनके ग्रहों का भी विवाह होता है। ये परिवारों का विवाह है, कुलों का विवाह है, कुल और पितृ के लेवल तक दो परिवार मिलते हैं, जो सनातन धर्म समझता है इस चीज़ को। अगर दो लोगों के बीच में मंगल की कंपैटिबिलिटी नहीं है, परिवार जिम्मेदारियों को साथ में लेके चलना है। अब आप मान लीजिए मंगल का दोष होना, यानी मंगल के जितने भी गुण हैं ये अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देंगे, इन गुणों की वजह से बैड रिजल्ट आपको मिलेंगे। जैसे आपका गुस्सा है, ये मंगल का गुण है। अब आप अगर कहीं सच्चाई के लिए देश के खिलाफ कोई कदम उठ रहा है, अन्याय कहीं हो रहा है, या कहीं आप कुछ गलत देख रहे हैं, और वहाँ पे अगर आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपने गुस्से को खड़ा करें, या अपने ही विरुद्ध आपने अपने जीवन बहुत इनडिसिप्लिन है और आप चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ें और अपने आप पर गुस्सा होकर आप अपने आप को डिसिप्लिन करें, तो ये मंगल आपके फेवर में काम कर रहा है। लेकिन अगर यही गुस्सा बेवजह आप किसी मूक पशु पर निकालें, क्योंकि आपकी नीचे लोग काम कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे जो आपको शायद पलट के जवाब नहीं दे सकते, तो आप उन पर गुस्सा निकालें, ये मंगल का दुष्परिणाम है। या कुछ लोग आप देखते हैं कि शरीर में बहुत ताकत होती है, बलवान होता है व्यक्ति मंगल की वजह से। अब बलवान होने की वजह से आप किसी असहाय की मदद कर रहे हैं, उस बल से बहुत अच्छी बात है। कोई बुजुर्ग माता जी जा रही है, अम्मा, आपने बोला लाओ माता जी मैं आपका थैले उठा लूँ, आपको छोड़ दूँ, तो ये मंगल का सुपरिणाम है। और अगर यही ताकत की वजह से आप फालतू में किसी 2-5 साल छोटे अपनी उम्र से किसी व्यक्ति को, या सड़क पर चलते किसी को भी थपड़ जाते, लपड़ जाते, या कम से कम बात बात सुनाते हुए जा रहे हो, तो ये उसका दुष्परिणाम है। दूसरा, मंगल जो होता है वो व्यक्ति को बहुत, मतलब सेल्फ सेंटर्ड ज़रा नहीं होने देता, और मंगल का दोष है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा भारी डिपेंडेंट हो जाता है दुनिया के ऊपर। और ऐसा भी मान्यता है कि दो लोगों के बीच में अगर मंगल बैलेंस नहीं होगा, आप खुद जानते हैं कि सहज रूप से भी ज़्यादातर जो पारिवारिक झगड़े होते हैं शादी के बाद, वो गुस्से और ईगो की वजह से होते हैं। अब ये अग्रेशन बहुत बड़ा कारण है शादी में। अग्रेशन का लेवल मैच होना बहुत ज़रूरी है, बॉडी का लेवल मैच होना बहुत ज़रूरी है, ये जो गर्मी है इसका लेवल मैच होना बहुत ज़रूरी है, साहस का लेवल मैच होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मियाँ बीवी हैं, आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि एक घर में नई शादी हुई, एक बहू आई है, एक बेटा है। अब ये दोनों, बेटा भी बिल्कुल आउटस्पोकन है, चिल्ला के बात करने वाला है, अपनी मनमर्जी करने वाला है, जो चाहे वो, हमेशा ही लड़ाई, मतलब लड़ाकू टाइप का है। अब बहू भी वैसी आ गई, घर का माहौल थोड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा। और मतलब ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, मैं आपको उसके तमाम और एग्जाम्पल दे सकता हूँ। और बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी, इसलिए मंगल की प्लेसमेंट देखी जाती है।
अब अगर मंगल दोष है तो ऐसा माना जाता है कि फिर दोष वाले से ही शादी करो, अगर मंगल दोष में नहीं है तो बिना मंगल दोष वाले से शादी करो, क्यों? क्योंकि मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मैच नहीं किया तो फिर व्यक्ति के जीवन पर भी भारी होता है, क्योंकि गर्माइश देता है, ये स्वास्थ्य के लिए भारी होता है, क्योंकि मंगल की वजह से हमारा जो ऑरा होता है बहुत वाइब्रेंट होता है। जिन लोग मंगल वाले होते हैं, 9 नंबर को जो लोग पैदा हुए हैं, या लोग जो 18 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर जो लोग 26 तारीख को पैदा हुए हैं, आप बहुत कॉमन सी चीज़ देखना इनके अंदर कि बैठे भी रहेंगे तो उनका ना शरीर ऐसे थोड़ा बहुत हिलता रहता है, पैर वैर हिलाते रहेंगे, बहुत देर तक एक जगह शांत नहीं बैठ सकते, फटाफट कुछ ना कुछ करेंगे। ये लोग अक्सर आप नहाते धोते हैं जब, या फिर रात में सोते हैं तो आप महसूस करते हैं कहीं कुछ चोट वोट लग गई, क्यों? आप निकलोगे भी ना, बैलेंस की थोड़ी कमी रहती है क्योंकि एनर्जी हाई रहती है, तो कहीं किसी चौखट से लग गए, कहीं दरवाजे से कुछ चोट लग गई, कहीं पैर में हल्का फुल्का कुछ लग गया, इनको चोट वोट लगती रहती है क्योंकि एनर्जी लेवल हाई रहता है। अब ऐसे ही व्यक्ति अगर गाड़ी वाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है, कार चलाता है, घोड़े चलाता है, जो भी चलाता है, तो एक्सीडेंट होने के योग बनते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल हाई है। आपका फोकस और कंट्रोल कभी हाई नहीं रहेगा, कभी भी मेंटेन नहीं रहेगा जब तक आप एनर्जी लेवल बहुत हाई है। सेटल्ड एनर्जी में इंसान सही काम करता है। तो इसको इस प्रकार देखे जाने लगता है कि मंगल दोष की वजह से भाई एक्सीडेंट हो जाता है शादी के बाद, या कोई व्यक्ति की तबीयत खराब होती बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको मैनेज करना, और सही है। अब इससे क्या होता है कि मान लीजिए जैसे आजकल लव मैरिज हो रही हैं, या मान लीजिए किसी व्यक्ति की अरेंज मैरिज भी, और वो इस प्रकार से अरेंज करी गई है कि अब उसमें पीछे नहीं हट सकते, चाहे दोष है चाहे नहीं है, तो फिर उसका उपाय करना पड़ता है। अब उपाय में ये कहा जाता है कि उपाय की ये मान्यता है वैदिक ज्योतिष की कि एक बार किसी बालिका या किसी बालक की शादी अगर हो जाती है तो जो परिणय होता है उससे मंगल दोष की जो ऊर्जा है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, जो भी होना है उस शादी के ऊपर उसका सारा दुष्प्रभाव अगर पड़ना है तो पड़ जाता है। अब उस दुष्प्रभाव को एक बार अपने बॉडी से निकालने के बाद फिर अगर हम जिससे शादी करनी है उससे शादी करें तो उस व्यक्ति पर वो प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा भारत देश में पीपल के वृक्ष के साथ, वट वृक्ष के साथ, क्योंकि इनको विष्णु जी का अवतार माना जाता है, इनसे शादी कराई जाती, घट विवाह कराया जाता है, जो इसका एक सोल्यूशन, एक रेमेडी मंगल दोष की। या कहीं कहीं पे मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, वहाँ पे श्वान यानी कुत्ते से भी शादी करा देते हैं। अब उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि उधर कुलाचार मामाचार चलता है, तो वहाँ पे श्वान को शायद भैरव का गण मानते हैं, क्योंकि पुरुष में वहाँ भैरव है, तो भैरव का उसको मान के वहाँ पे विवाह करा दिया जाता है। और उसके बाद जो भी नेगेटिविटी है किसी लड़की की या लड़के की, जो भी लड़कों के लिए, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि घट विवाह वगैरह नहीं कराते, लड़कों का तो रुद्राभिषेक वगैरह अन्य उपाय होते हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, दुनिया में एक ही मंदिर है मंगल देव का, वो है उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर, जहाँ पे वो टुकड़ा धरती का आके गिरा था वो मंगलनाथ उसी स्थान पे है। वहाँ पे जाके अभिषेक होता है, भात पूजन होता है, पूजा करी जाती है, जिनका भी मंगल दोष और सच में परेशान है आप, तो वहाँ पे जाके मंगलवार के दिन पूजन करिए, आपकी बाधा सॉल्व होती है। तो ये भी उसकी एक रेमेडी, लड़के ज़्यादातर ये करते हैं, बट लड़कियों के साथ इस प्रकार विवाह करा के वो जो मेलेफिक इम्पैक्ट है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो किसी पेड़ या किसी श्वान या किसी घट पे निकाली जाती है और फिर शादी कराई जाती है। तो इसके पीछे का साइंस ये है। ज्योतिष की रेमेडीज पर बात करते हैं कि जब आप किसी की कुंडली देखते हैं और आप उसे कोई उपाय बताते हैं तो आमतौर पर उन उपायों में रत्नों का उपाय भी शामिल होता है जी। तो ये जो उपाय होते हैं ये रत्नों वाले उपाय जी, ये काम कैसे करते हैं कि 5.25 रत्ती का आप उपल पहन लीजिए तो जो आपका शुक्र है वो बढ़ जाएगा, ये काम कैसे करते हैं जी? एक्चुअली क्या, ज्योतिष में जितने भी उपाय हैं सभी जो 9 ग्रह हैं उनकी ऊर्जा से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। जैसे आपने रत्न सुने होंगे, रुद्राक्ष सुने होंगे, नाना प्रकार के दान सुने होंगे, पूजन अर्चन सुनी होगी, अलग अलग विधियाँ सुनी होंगी। ये सभी उपाय, या तो कोई ग्रह अगर मारक है यानी हमारे लिए अगर वो अच्छा नहीं है, हमारे दुष्परिणाम लेके आ रहा है, हमारे अगेंस्ट है, हमारे प्रतिकूल है, तो उसकी ऊर्जा को घटाने के लिए जैसे दान होता है। अब आप मान लीजिए किसी का शनि मारक है तो आपने देखा होगा लोग शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान, काली उड़द का, काले तेल, नारियल, ये सब चीज़ें दान करते हैं। दान करते हैं कि हमने अपने अंदर से जो शनि की ऊर्जा है उसको निकाल के एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो शनि का धारक है, जो शनि को रिप्रेजेंट कर रहा है, शनि का जातक है। जैसे मजदूर हो गए, भिक्षुक हो गए, गरीब हो गया कोई व्यक्ति, तो ये शनि के लोग हैं जो जमीन मजदूरी करते हैं, इनको आप देते हैं तो शनि की ऊर्जा निकल जाती है। जैसे मान लीजिए किसी का बृहस्पति अगर ख़राब है तो बृहस्पति में चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु का आप अगर बृहस्पतिवार के दिन दान कर रहे हैं, और एक अगर वृद्ध व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण पंडित पुजारी को दे रहे हैं, तो ये बृहस्पति के जातक हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपके अंदर से जो भी अतिरिक्त ऊर्जा है जो आपके लिए नकारात्मक है वो निकल जाएगी। लेकिन जो आपका अनिष्ट है क्या वो उनके पास जाकर? नहीं, वो उनको परेशान नहीं करता। ये उसी प्रकार है जैसे
अगर मान लीजिए मैं शनि का जातक हूँ तो शनि मेरे लिए अनुकूल है, अब वो जितनी भी मात्रा में मेरे लिए शनि आएगा वो आपके लिए नकारात्मक है क्योंकि आपकी प्रवृत्ति वैसी है तो शनि की ही ऊर्जा, मेरे लिए वो सकारात्मक है, मेरे वो अनुकूल है, तो मेरे पास कितनी भी आ जाए मुझे परेशान नहीं करता क्योंकि आप शनि के जातक। मैं शनि का जातक हूँ इसलिए आप उसे रिप्रेजेंट कर, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसलिए दान भी हर किसी को जब दान बताए जाते हैं तो उसका भी समय होता है, जैसे शनि के लिए और राहु के लिए कभी भी सूर्य की रोशनी में किया हुआ दान फलदायी नहीं होता। शनि और राहु का जो दान है, अगर आपकी कुंडली में शनि और राहु नकारात्मक हैं, अन्य सप्त ग्रह जो हैं उनकी आप सूर्य के समय पर करेंगे दान तो आपको फलदायी होगा। शनि और राहु का दान अंधेरे में किया जाता है सूर्यास्त के बाद, और हर ग्रह के लिए जिसको दान दिया जा रहा है और दान में क्या चीज़ दी जा रही है, ये सिर्फ अभी दान पे स्पेसिफिक है, मैं रत्न के ऊपर आ रहा हूँ, पर दान क्या चीज़ दे रहे हैं वो वस्तु उस ग्रह से संबंधित होनी चाहिए। जैसे पीली दाल है, चने की दाल है, कोई भी पीली चीज़ है, तो वो अगर मैं अपने हाथ में पकड़ूंगा तुरंत मेरे अंदर का जो गुरु की ऊर्जा है बृहस्पति की, जुपिटर की, वो उस चीज़ के अंदर आ जाएगी, और जब मैं उसको अपने हाथ से किसी को दान करूंगा तो मेरे शरीर से बाहर चली जाएगी। अब कोई ग्रह ऐसा है जो हमारे लिए योग कारक है, दान हमने होता है नकारात्मक ग्रहों के लिए जो मारक हैं, मैलिफिक हैं, एनिमेटिक हैं। अब कोई ऐसा ग्रह है जो मान लीजिए आपके लिए योग कारक है लेकिन बलवान नहीं है, शक्ति कम है, अब उसकी शक्ति को अगर हम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए इसे रत्न पहनना है। अब मान लीजिए अलग अलग ग्रहों के लिए उनके एक रत्न हैं, फिर उनके भी उप रत्न होते हैं, फिर उनके भी अंदर क्रिस्टल्स हैं और अलग अलग चीज़ें हैं। ये होता क्या, इसका विज्ञान ये है, रत्न धरती के गर्भ से निकलते हैं और कुछ रत्न ऐसे हैं जो समुंदर से निकलते हैं, जैसे जो मूंगा वगैरह है, सफ़ेद मूंगा है, सिंदूरी मूंगा है, लाल मूंगा है जो मंगल के लिए होता है, ये सब कोरल हैं, ये समुद्र के सी बेड से निकलते हैं। कुछ ऐसे रत्न हैं जो आपको ज्वालामुखी जब कहीं फटता है तो उसके अंदर से जो लावा निकलता है उसके साथ कुछ रत्न निकलते हैं, जब वो जम के ठंडा हो जाता है तो फिर उसकी अलग एक मेटलर्जी है, उसको निकाला जाता है और वहाँ से रत्न प्राप्त होते हैं। हर ग्रह की ऊर्जा किसी न किसी रत्न के अंदर होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्य की ऊर्जा माणिक्य के अंदर होती है जिसको रूबी कहते हैं इंग्लिश में, चंद्रमा की ऊर्जा मोती के अंदर होती है, बुद्ध की ऊर्जा आपको पन्ने एमरल्ड के अंदर मिलती है, शनि की ऊर्जा नीलम ब्लू सफायर के अंदर, बृहस्पति की पीला जो पुखराज होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, गोमेद है राहु के लिए, लहसुनिया है केतु के लिए, और ऐसे अलग अलग मंगल के लिए आपका मूंगा हो गया, शुक्र के लिए आपका ओपल हो गया या हीरा हो गया। अब जब आप इस रत्न को अपने शरीर से स्पर्श कराते हैं, ये पांच उंगलियां जो हैं, हमारा पूरा हाथ जो है ये हमारे पूरे शरीर को दर्शाता है एक प्रकार से, हर उंगली का संबंध हमारे पंच तत्वों से है, अलग अलग ग्रहों की अलग अलग उंगली है, या तो आप उंगली में धारण करते हैं एक स्पेसिफिक मेटल में उसको पहना जाता है, और रत्न यूं ही नहीं पहन लिए जाते, ये AI इंटेलिजेंस की तरह काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह। आप एक कच्चा रत्न लाते हैं, उसके अंदर नेचुरल तौर पे एक ऊर्जा अपने अंदर अब्सॉर्ब करने की क्षमता है, उसे जब आप मंत्र साधना करते हैं, उसे सिद्ध करते हैं, उसका पूजन करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है, उसको एक स्पेसिफिक मेटल में बनवा के जब आप कोई व्यक्ति को धारण करते हैं। अब मान लीजिए मेरे जीवन के अंदर सूर्य बहुत अच्छा है, योग कारक है लेकिन बलवान नहीं है, उसकी डिग्री कम है, कमजोर है, या तो वृद्धावस्था में या तो बाल अवस्था में मोटा मोटा। अब इस अवस्था में अगर मैं माणिक्य धारण करूंगा तो मेरे सूर्य का बल बढ़ेगा, सूर्य का बल बढ़ेगा मेरे शरीर के अंदर जो एडिशनल सन की एनर्जी वो माणिक्य देगा, तो जो मेरे जीवन के अंदर सन से रिलेटेड रिजल्ट है, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक लीडर हूं तो मैं और अच्छा लीडर बनूंगा, अगर मेरे को यश और मेरी कांति यानी मेरा नाम और शौहरत है तो मैं पहनूंगा अगर माणिक्य तो वो और बढ़ेगी, मेरा सम्मान मान में और वृद्धि होगी। प्लस जो सूर्य का सबसे बड़ा गुण होता है कि सूर्य जो होता है वो प्रभाव छोड़ जाता है, तो अगर मैं ये पहनूंगा तो मेरा जो प्रभाव, जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी से मिल रहा हूँ या मेरे बारे में भी कहीं कोई चर्चा हो रही है तो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए इस प्रकार रत्नों की, मतलब ये विज्ञान है रत्नों का, और लोगों को पहनाया जाता है। हालांकि बहुत कठिन है भारत में आज, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं आपसे तो रत्नों को जांचना, बहुत कम लोग हैं जो जेमोलॉजी को जानते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग 99% लोग मुझे लगता है भारत में या दुनिया में कहीं पे भी विश्वास के आधार पे ही रत्नों को धारण करते हैं। रत्नों के साथ एक ड्रॉबैक है, जैसे जब हम उपाय की बात करते हैं तो कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जैसे रुद्राक्ष है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, रुद्राक्ष से लेकर बहुत सारी अवधारणाएं हैं कि नॉन वेजिटेरियन है अगर आप, या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको नहीं पहनना चाहिए, शिव महापुराण में ऐसा लिखा है। हालांकि और भी ऐसे शास्त्र हैं, देवी भागवतम के अंदर सूत जी और नारद के बीच का संवाद है जिसमें बताया गया है कि कैसा भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करे, और तंत्र में तो ये मान्यता है कि बिना रुद्राक्ष धारण करे कोई भी प्रक्रिया साधना करनी ही नहीं चाहिए। और उससे फायदा क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर की जो भी नकारात्मकता है, तामसिकता है, उसे आप बॉडी से रेडिएट कर देता है, बाहर निकाल देता है, इसलिए रुद्राक्ष धारण करना। रुद्राक्ष कोई किसी भी प्रकार का कैसा भी रुद्राक्ष पहने, कभी अगर फायदा होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो नुकसान नहीं करेगा, बट जेमस्टोन्स के साथ ऐसा नहीं है, रत्न आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बहुत सहज रूप से बताया कि मेरे जीवन में सूर्य मेरे लिए योग कारक है, पर
उसकी शक्ति कम है इसलिए मैंने माणिक्य पहन लिया। अब ये धारणा, ये रूट कॉज एनालिसिस करना, ये एनालाइज करना, ये पता करना कि सूर्य योग कारक है या मारक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन और इसको पता लगाना बहुत कठिन होता है कई बार। कुछ कुंडलियां आसान होती सहज रूप से, व्यक्ति अपने लग्न के पंचमेश और नवमेश का जो अधिपति होता है उसका रत्न पहन लेता है तो फायदा ही करता है, 90% केस में, 90-80% केस में सही चलता है। लेकिन कुछ कुंडलियां होती जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से अगर आपने ऐसा ग्रह का रत्न पहन लिया है जो आपके लिए मारक है और ऐसे स्थान में बैठा है, कुछ मारक ग्रहों को भी सही करने के लिए उनके लिए रत्न पहने जाते हैं, वो अलग विज्ञान है। लेकिन अगर आपने गलत ग्रह का रत्न पहन लिया है तो मेरे जीवन के अनुभव मैंने ऐसा देखा है कि व्यक्ति के जीवन में अनप्रेसिडेंटेड, बिना सोची समझे अज्ञात स्वरूप में कहीं ना कहीं से परेशानियां बढ़ जाती हैं, उसकी जो क्षमताएं होती हैं वो कम होने लगती हैं और नुकसान भी होता है। गलत रत्न पहनने से बॉडी ऑर्गन्स भी फेल हो सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, किसी भी तरीके से नुकसान कर सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, मान लीजिए किसी ने बेवजह मोती पहना हुआ है, उसका चंद्रमा वैसे ही बहुत बलवान है, उसे पहनने की जरूरत नहीं है, ना चंद्रमा उसके लिए कोई मतलब आवश्यकता नहीं है। नौ ग्रह में आपको हर किसी को जेमस्टोन की आवश्यकता नहीं होती है। अब ऐसा व्यक्ति अगर धारण कर लेगा और अगर अच्छे खासे वजन का उसने धारण कर लिया कि मान लीजिए 12-13 कैरेट, 15 कैरेट, 20 कैरेट बड़ा मोती धारण कर लिया, दिखने में सुंदरता उसकी रहेगी, सौंदर्य रहेगा, किंतु वो आपके जीवन के अंदर निमोनिया, कफ, अस्थमा, ठंड से होने वाली जितनी चीजें, वो ठंडक बढ़ा देता है चंद्रमा। दूसरा, ये इंसान को इमोशनली वल्नरेबल बना देता है, आपका जो भावनात्मक तल है अस्थिर हो जाते हैं, भावनात्मक तल जो है आपका बहुत ही अस्थिर रहेगा। आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि ये कभी भी हंसते हंसते एकदम से नाराज हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, फिर रोने लग जाएंगे, फिर कभी एकदम से गुस्सा हो जाएंगे, फिर कहीं एकदम से मस्ती मजाक करने लगेंगे, अस्थिर प्रवृत्ति होती है। यह अलग अलग रत्नों के लिए अलग अलग उसके साइड इफेक्ट हैं। तो रत्न पहनना जरूरी नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि अगर आप पहन रहे हैं तो आप सही पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं। और रत्न कभी भी पहनिए, मैं किसी भी ज्योतिष या किसी भी व्यक्ति का जिन्होंने जो रत्न आपको बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, उनकी कोई अपमान या उनके कोई जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये मानना है कि कोई भी आपको रत्न बताए, आप कुछ दिन पहन के देखिए। मेरा ऐसा मानना है कि रत्न 21 दिन के अंदर अपना असर दिखा देते हैं। अगर कोई थोड़ा कम इंटेंसिटी है जिसका बायोमैग्नेटिक इंडेक्स उतना अच्छा नहीं है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक्यूरेट नहीं भी है, यानी अच्छी क्वालिटी का अगर टेक्निकली वो रत्न नहीं भी है, तब भी 90 के दिन के अंदर अपने असर दिखा देता है वो। इस 90 दिन या 21 दिन के अंदर अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर नेगेटिव ट्रांजिशंस दिख रहे हैं तो आपको तुरंत उतार देना चाहिए। दूसरी बात, रत्न भी हमेशा नहीं पहने जा सकते, उनका भी एक पीरियड होता है। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई अंतरदशा या महादशा चल रही है जो आप जिस रत्न को धारण कर रहे हैं उससे विरोध में है, क्योंकि ग्रह भी आपस में एक दूसरे से दुश्मनी और दोस्ती है, तो वो उस समय पे आप अगर वो रत्न धारण करेंगे तो आपको उसका उतना मुनाफा नहीं होगा, उतना फायदा नहीं होगा जितना तब पहनने पे होगा जब किसी सौमित्र ग्रह की दशाओं में आप उसको धारण करेंगे। तो इसमें भी एनालाइज करना होता है कि कौन सी दशा में कब पहनना है, किसको पहनना है। इन अ नटशेल, अगर इसका संक्षेप में मैं बताऊं तो रत्न एक ऐसी चीज़ है जिसको पहनने के लिए आपको पूर्ण भरोसा भी होना चाहिए और आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अगर वो आपको सूट करे शुरुआती दिनों में तभी उसको लंबे समय तक पहनिए, अन्यथा उतार दीजिए। थोड़ा बहुत खर्चा कई बार हो जाता है क्योंकि हम लोग सोने की या चांदी की रिंग बनवाते हैं, रत्न भी कुछ सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, पर वो छोटा नुकसान सह लेना फिर भी ठीक है, ताकि इसके बजाय कि हम कोई बड़े नुकसान में फंसे और अपने शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार से कोई बड़ी दुर्घटना हमारे जीवन में, उससे अच्छा है कि आप सतर्क रहिए और अगर आपको फील हो रहा है शुरुआती दौर में तो छोड़ दीजिए। तो ये तो हो गया रत्नों का विज्ञान। अब ज्योतिष में कई बार जो उपाय बताए जाते हैं वो जाप और पूजा से संबंधित भी होते हैं। एक जो चीज़ मैं स्किप कर गया, वापस आ जाता हूँ रत्न पे। कोई रत्न असली है या नकली, अच्छा है या बुरा, जैसा आपने कहा ना कि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सही है या नहीं, अच्छा है या बुरा है, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालिए। कैसे पता लगता है कोई रत्न सही है या नहीं है, असली है या नकली है, क्योंकि आजकल तो सर्टिफिकेट भी जारी किए जाते हैं, क्या वो सर्टिफिकेट असली होते हैं? देखिए, मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊं, शुरुआत में जब मैं इस फील्ड में रिसर्च कर रहा था, पर्सनल मतलब, क्योंकि आप अगर एक रिसर्चर हैं तो आपकी एक अवधारणा रहती है कि पहले आप खुद कुछ चीज़ें अपना के देखते हैं अपने जीवन में, अगर वो आपको फल देती हैं तब फिर आप दूसरों के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो शुरुआत में मैंने जब इसको ढूंढा तो मैंने ये पाया कि भारत में जो हमारी सरकारी संस्था है GICCE, ये जेमोलॉजी के लिए सर्टिफाइड है और भारतीय जो मापदंड हैं जेम स्टोन्स के लिए भी, उनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का अलग अलग एक ब्रैकेट है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पर मुझे लगता नहीं कि, मेरे ख्याल 0.1% जेमस्टोन्स भी जो लोग पहनते हैं जनरली वो इस लैब से प्रमाणित हो। इसमें भी क्या है, मशीनें आजकल सबके पास हैं
कोई भी व्यक्ति जो जेमस्टोन का काम कर रहा है या इससे संबंधित काम कर रहा है, वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके मशीन खुद ले आता है और उसके बाद लाके वो चांसेस आर वेरी हाई, अगर वो व्यक्ति ईमानदार है तब तो आपको अच्छी सही लैब रिपोर्ट मिलेगी, अन्यथा उनके पास पूरा ये मतलब योग्यता होती है, उनके पास इतना खेल होता है कि वो उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। क्योंकि जिस समय आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ध्यान रखिए इस बात का, पहली बात इसके पीछे कोई सरकारी प्रमाण नहीं है, और ये जो सर्टिफिकेट है ये एक स्पेसिफिक समय पे एक मशीन में देखा गया। अगर आप जाके मतलब लीगली भी मैं इस पर अगर बात करूँ तो अगर आप जाके सामने वाले व्यक्ति को कहते भी हैं कि आपके सर्टिफिकेट में कुछ और लिखा है, हमने किसी और लैब में जाके चेक कराया उसमें कुछ और आ रहा है, तो सामने वाला ये भी आपको सहजता से कह सकता है, मैंने रियल लाइफ केस में जो हुआ है मेरे साथ बता रहा हूँ कि मशीन में एरर होगा उस समय। और ये भी आपको मैं बता दूं कि आज की दुनिया की सच्चाई ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि एक जेमस्टोन को या कोई भी रुद्राक्ष है या कोई भी चीज़ है इस प्रकार की, इसको लैब टेस्ट करने में 1.25 घंटा से ज़्यादा समय लगता है एक व्यक्ति, एक जेमस्टोन। और दुकान में बाज़ार में आप अगर जाके पता करेंगे, कोई भी हम में से अगर जाए और बोले कि मुझे बल्क में कुछ जेमस्टोन्स लेने, मान लीजिए आपने 50 पीस किसी एक जेमस्टोन के लेने, एक लॉट लेना है और आप चाहते हैं कि सबके सर्टिफिकेट आपको मिले, तो आप खुद आजमा के देखिए कितना समय सामने वाला लेता है। सिर्फ जितनी देर वो प्रिंट करने में सर्टिफिकेट लगेगा और वो फोटो जो बस मशीन के अंदर डाला जाता है जेमस्टोन, फोटो कैप्चर करी जाती है, रीडिंग प्री डिफाइंड होती है, सट 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 प्रिंट निकलते हैं, इतना आसान नहीं है। इसीलिए जेमस्टोन को लेके जो भारतीय परंपरा में हमारी कुछ पहचान बताई गई, ये साइंटिफिक स्टडी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसको देखा जा रहा है, उसके अंदर क्लाउड्स बन रहे हैं या क्रिस्टलाइजेशन कैसा हो रहा है, आर्चेस आ रहे हैं उसके अंदर, कट्स आ रहे हैं, बहुत टेक्निकलिटी में साइंस के हिसाब से देखा जाए तो कठिन है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में या भारतीय परंपरा में जेम्स को लेके बहुत पुराने समय से शोध हो रहा है, और जेम्सस्टोन भारत के अलावा बाहर भी, ज्यादातर मैं आपको बताऊं तो जो इस्लामिक देश हैं, ईरान वगैरह हो गया आपका, टर्की हो गया, या उसके अलावा आप देखेंगे तो यूएई साइड में, सऊदी अरेबिया में जेम्सस्टोन बहुत ज्यादा पहने जाते हैं, लोग यूज करते हैं। तो उसके लिए जो हमारी जो हमने दादा नानियों से सुनी है, जो गुरुजनों से सुनी देसी पहचान है, मैं उनको अपने पर्सनल जीवन में ज़्यादा अप्लाई करता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए सहज भी है और उस पर मेरा भरोसा भी है। मैं सबके लिए तो क्या बताऊँ, लेकिन कुछ जेमस्टोन्स के लिए आपको मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि कैसी पहचान होती। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जेमस्टोन ओरिजिनल है या नकली है, इसकी पहचान करने के लिए बहुत सरल है। आज के ज़माने में हम सभी के पास मोबाइल और उसमें पीछे कहीं ना कहीं टॉर्च होता है, आप जेमस्टोन को टॉर्च ऑन करके उसके ऊपर रख के देखेंगे तो आपको अगर वो कहीं से भी क्रैक्ड है, अगर वो टेम्पर्ड है, अगर वो लैब में क्रिएटेड है, तो आपको अलग ही उसकी बनावट दिखेगी। जो नेचुरल जेमस्टोन होता है कोई सा भी रहने दीजिए, हालांकि कुछ जेमस्टोन ओपेक होता है उसमें दिखेगा नहीं, उनके लिए अलग पहचान है, बट अगर आपका ओपेक नहीं है यानी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट भी है, तो आप उसको इसके माध्यम से देखेंगे तो आपको फर्क समझ में आएगा। दूसरा, जेमस्टोन जो होते हैं उनकी पहचान करने के लिए आप उनको नॉर्मल रूम टेम्परेचर से, कुछ जेमस्टोन या तो ज़्यादा गर्म होंगे या तो ठंडे होंगे, हमेशा ये पहचान है किसी भी जेमस्टोन की। अगर वो सच्चा जेमस्टोन है, असली रत्न है, तो वो आपको रूम टेम्परेचर पर नहीं मिलेगा। दूसरी, अब जैसे मूंगा है, ये मूंगा रेड कोरल होता है आपका, धरती से निकलता है, एक जीव होता है जो बाद में जाके एक स्टोन बन जाता है, रत्न बन जाता है। इसकी पहचान सबसे अच्छा तरीका है कि इसके ऊपर अगर आप ओरिजिनल मूंगे के ऊपर, जैसे वो ओपेक है उसमें लाइट काम नहीं कर सकती, आप एक ड्रॉप पानी की डालोगे तो वो सर्कल बन जाएगा उसका, वो पानी बहेगा नहीं, वो इकट्ठा हो जाता है। ये पहचान है मूंगे की, और ये वो पहचान है जो मतलब मैंने गुरुजनों सीखी अपने जीवन में, जो अगर किसी लैब के सर्टिफिकेशन में भी अगर उसकी क्वालिटी खराब बताई जाए, अगर मेरे पैमाने पर वो सेट है तो मैं उसको उपयोग में लाता हूँ, और मेरे जो भी मतलब जिनको भी मैंने दिया है तो उसका फीडबैक मुझे पॉजिटिव मिला है। अब समराइज कर दूं अगर मैं आप इस पूरी वार्ता को, तो मेरे हिसाब से एक व्यक्ति जो लेमैन है, जिसको इस विज्ञान के बारे में, जेमस्टोन्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो उसी व्यक्ति से जेमस्टोन या तो जेमस्टोन पहने ही ना, अदरवाइज अगर वो पहन रहा है तो भरोसेमंद कोई व्यापारी हो, कोई आपके परिचय के हों, कोई ज्योतिषाचार्य हों या कोई भी हों, उनसे ही जाके लीजिए, कम से कम आपकी कोई फेस वैल्यू तो है। क्योंकि ये ऐसी फील्ड है चक्रेश जी कि जहाँ पे एक पत्थर एक ही कैटेगरी का है, एक ही नाम का है, वो 5 रुपए का भी हो सकता है और 5 लाख रुपए का भी हो सकता है, और अगर आपको दोनों में सामने रख दूँ तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा 5 लाख रुपए वाला है और कौन सा 5 रुपए वाला है। तो मूर्ख बनाना बहुत सरल है, इसीलिए ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है या जैसे जिस प्रकार शॉप में आप यूजली जाते हैं, नॉर्मली ज्वेलर्स के पास लोग जाते हैं, भरोसेमंद हैं आपके, आप जानते हैं कम से कम आपकी फेस वैल्यू की वहाँ पे कुछ, कल को अगर किसी को आपको पता चलता है कि आपने नकली जेमस्टोन पहना, तो आप भरोसेमंद जगह से लेंगे तो कम से कम उनको जाकर फीडबैक दे सकते हैं। और आजकल तो फीडबैक जो है ऑनलाइन भी दिया जाता है, रिव्यू वगैरह। ऑनलाइन फीडबैक का प्रॉब्लम ये है ना कि ऑनलाइन भी देखिए क्या है, कोई स्टोर अपनी जिम्मेदारी लेता नहीं है,
ज़्यादातर जो सेलर्स हैं वो वेंडर से मैनेज होते हैं, जैसे आप अगर चाहें तो जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं बड़ी बड़ी भारत में, उसमें कोई व्यक्ति है तो वो अपना जेमस्टोन बेच रहा है, आपने खरीद लिया उसका, तो सकता है वो जेमस्टोन को अपना अकाउंट ही बंद करके चला गया, आप क्या कर लेंगे? सही बात है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इस बात का क्या प्रमाण है कि आपने ऑनलाइन कहीं से कोई सामान आया, आपने उसको कल को रिफंड के सामने वाला बोल दे कि ये तो हमने भेजा नहीं था, दूसरी चीज भेजी थी हमने, तो क्या प्रमाण है इसका आपका? तो मतलब दो ही रास्ते हैं, या तो आप वोकल फॉर लोकल हो जाएं, लोकल किसी व्यापारी से लीजिए तो लोकल व्यापार भी बढ़ेगा, और अगर आपको गलत सामान दे रहा है तो आप उसका फीडबैक भी दे सकते हैं। कम से कम आपको कोई एक संस्थान है, कोई व्यक्ति विशेष है जहाँ पे जाके आप बोल सकते हैं। दूसरा, आप के कोई ज्योतिषी हैं या कोई हैं जो आपको रत्न भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो आप उनसे भरोसा करके ले सकते हैं। एक मुझे एक घरेलू तरीका रुद्राक्ष को भी टेस्ट करने का है जी, जो हमने कई बार किया है और बड़ा मजा आता है उसमें, कि हम रुद्राक्ष को, हम तांबे वाला लोटा लेते हैं उसको उल्टा रखते हैं, रुद्राक्ष को उसके ऊपर रखते हैं, और दूसरे तांबा का जो लोटा होता है हम उसको रुद्राक्ष के ऊपर ऐसे करते हैं जी, अगर वो रुद्राक्ष असली तो अपने आप घूमने लगता है, और ये देखा है मैंने। हाँ, होता है, रियलिटी है, नकली रुद्राक्ष होगा तो नहीं नहीं घूमेगा, लेकिन अगर असली रुद्राक्ष है तो तांबे की दो सतहों के बीच में अगर आपने रखा है तो घूमने लगेगा। ये तांबे की दो सतहों के बीच में भी होगा, ये ब्रास की दो सतहों के बीच में भी होगा, या ऐसे किसी भी मेटल की सतह के बीच में होगा जिनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो थोड़ी लोअर साइड पे है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अर्थ है, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, कि कोई भी जैसे मेटल होता है, किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो एक स्पेसिफिक एक समय लगता है उसको गर्म होने में, कोई मेटल होता है तुरंत शट से गर्म हो जाता है, कुछ होता है उसको समय लगता है, और कितनी डिग्री तक जाके गर्म हो रहा है इसका जो मापदंड है उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो थोड़ा कम वाले मेटल रहते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, उनका क्या होता है, जब आप दो पोल होते हैं रुद्राक्ष के अंदर से भी बायोमैग्नेटिक इंडेक्स, उसका भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय, उसकी भी एक धारा निकल रही है उसके पास, उसका एक प्रवाह है, उसका क्षेत्र है, दो मेटल के बीच में जब आप उसको कनेक्ट कर देते हो तो वो एक सर्किट का काम करता है। अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ चुंबक को आमने सामने करें तो वो रिपेलिंग फोर्स होता है, उसी प्रकार की जो रिपेलिंग फोर्स होता है रुद्राक्ष के अंदर, ये सर्कुलर होता है और एक यूनिडायरेक्शनल एक दिशा में होता है, तो जब आप वो सर्किट कंप्लीट करेंगे, टच करेंगे, तो वो घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि एक फोर्स है जो उस पर लगने लगता है। तो आपके पास अगर रुद्राक्ष है तो देखिए चेक करके वो असली है या नहीं है, और अगर असली है तो प्लीज़ बताइए कि इस टेक्निक ने आपके लिए काम किया या नहीं किया। आगे आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, ज्योतिष से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ज्योतिष में जो रेमेडीज बताई जाती हैं रत्नों के अलावा, जैसे जाप बताया जाता है कि आपका ये जो ग्रह है ये दिक्कत दे रहा है, अनुष्ठान जाप, इसका जाप कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, अनुष्ठान कर लीजिए, तो थोड़ा सा इसके भी साइंस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल बिल्कुल, ज्योतिष में ये अवधारणा है कि जो नव ग्रह हैं, नव ग्रहों के नव अधिपति हैं, यानी ऐसे कुछ ईश्वर के स्वरूप, ऐसी कुछ शक्तियां, ऐसे कुछ देवी देवता जिनके अधीन ये नव ग्रह हैं। जैसे सूर्य के लिए माना जाता है कि भगवान सूर्य नारायण, भगवान विष्णु, भगवान राम या भगवान कृष्ण, राम जी के जितने भी अवतार हैं कृष्ण जी के, ये सूर्य के अधिपति हैं। बलवान, जैसे राम जी राजा थे तो सूर्य भी राजा है, तो सूर्य उनके अधीन है। चंद्रमा के अधिपति सोमनाथ हैं, क्योंकि वो चंद्रमा के भगवान शिव हैं। शुक्र की अधिपति माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा हैं, भगवती का कोई भी स्वरूप है। मंगल के अधिपति नरसिंह भगवान माने जाते हैं, या फिर हनुमान जी महाराज माने जाते हैं। बुध के अधिपति आप देखेंगे गणपति को माना जाता है। राहु के अधिपति अपन दुर्गा माता को मानते हैं। केतु के अधिपति भगवान उग्र स्वरूप के हेरम्ब गणपति हैं, उच्चिष्ट गणपति हैं उस स्वरूप में। केतु के अधिपति भैरव जी को ही माना जाता है। और कुछ शक्तियाँ ऐसी भी हैं जो नवग्रह की अधिपति हैं, जैसे दक्षिण काली को ऐसा माना जाता है, जो आद्या भवानी स्वरूप है काली माँ का, वो नव, उनकी साधना करने से नव नवग्रह इम्पैक्ट मतलब कंट्रोल में रहते हैं, या काल भैरव की साधना ऐसी साधना है जिससे नवग्रह आपके कंट्रोल में रहते हैं। इसके अलावा जैसे महाविष्णु महालक्ष्मी के साथ जब पूजन होता है तब नवग्रह उससे इम्पैक्ट क्रिएट होता है, वो उसको प्रभावित करते हैं। आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो भी ग्रह का स्वभाव है उसी स्वभाव से मिलते जुलते जो भी ईश्वर के स्वरूप हैं वो इसके अधिपति हैं। जैसे बुध का काम है इंटेलिजेंस, बुध बुद्धि का दाता है, बुध ज्ञान का दाता है, बुध वाणी का दाता है, बुध व्यक्ति को थोड़ा सा एडवेंचरस बनाता है, घुमक्कड़ बनाता है, थोड़ा सा केयर फ्री बनाता है, बुध व्यक्ति को बचकाना बनाता है, बाल सुलभ बनाता है। ये सारे गुण गणपति के अंदर देखे गए हैं, इसलिए उसके अधिपति गणपति हैं। अब आप जिस भी ग्रह से परेशान हैं, पीड़ित हैं, उसके अधिपति को मनाना शुरू करते हैं। जैसे आप अगर बुध मारक है आपका खराब है तो आप गणपति का पूजन करें, अगर आपका मंगल खराब है तो आप हनुमान जी का पूजन करें, शनि खराब है तो शनि के अधिपति भगवान शिव या फिर हनुमान जी महाराज, क्योंकि शनि देव का वचन है हनुमान जी को। तो जब आप इनकी पूजा उपासना या मंत्र जाप करते हैं तो ये आप
के प्रति जो इनकी करुणा का भाव या कृपा का भाव रहता है, उससे जो ग्रहों का जो मारक प्रभाव है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो कट जाता है। और इसलिए नाना प्रकार की पूजा विधान और अनुष्ठान या जो भी मंत्र जाप है वो दिए जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि बाजार में अलग अलग ज्योतिष मौजूद हैं जी, तो मुझे लगता है कि अगर मैं बाजार कह रहा हूँ तो ये गलत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोगों व्यवसाय है, ये व्यवसाय है, लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं, समाधान मिलता है। बिल्कुल। कैसे पता लगेगा कि कौन सा ज्योतिष मेरे लिए काम करेगा, किसके पास मुझे जाना चाहिए, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? कठिन है आइडेंटिफाई करना, लेकिन किया जा सकता है। मैं हमेशा से इस मान्यता और विचारधारा में विश्वास रखता हूं कि आपका माध्यम ज्योतिष जो है, ये नवग्रह हर किसी के हैं। ज्योतिष आपके और आपके नवग्रह, जो आपके भाग्य विधाता हैं, जो आपके जीवन का निर्धारण करने वाले हैं, उनके मध्य का माध्यम है, आपके और उनके बीच में। अब ये माध्यम जो है आपका, ये जितना मध्य में होगा उतना अच्छा ज्योतिष होगा। और ज्योतिष कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, जैसे मैंने आपको बताया कि माइनर भी अगर दिमाग में आगे पीछे हो जाता है, चाहे किसी भी विधा का ज्योतिष हो, वो गलत हो जाएगा। और अक्सर ये भी देखा गया है, मेरे पास ऐसे कुछ केस आते हैं और मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है कि बड़े बड़े प्रगाढ़ जो आचार्य हैं, जो विश्वविख्यात हैं, उन्होंने जो प्रिडिक्शंस किए, उन्होंने जो उपाय बताए, वो किसी के लिए काम नहीं करते। और कोई व्यक्ति हो सकता है कि अभी वो इंटर्न हो, वो सीख ही रहा हो, उसने कुछ बात बताई और वो काम कर जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो पहली चीज़ भाग्य, समय, सही समय पे आपको सही ज्योतिष मिलेगा तो ही आपका काम बनेगा। अगर आपका समय विपरीत है, आप बहुत अच्छे ज्योतिष के पास भी जाएंगे, हो सकता है कि वो समय उसका माइंडसेट वैसा ना हो, या वो ना चाहते हुए भी आपके लिए कुछ गलत कैलकुलेशन हो जाए, 5-2-4 अंक भी आगे पीछे होगा तो गेम बिगड़ जाएगा आपका। और दूसरा ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको जो उपाय बताए गए हैं, अगर आपका समय सही है, क्योंकि जब किसी के बहुत विकट ग्रह फंसे होते हैं तो व्यक्ति उपाय भी नहीं कर पाता। ज्योतिष के पास से ज्ञान लेके आए हैं आप, अगर उसके उपाय नहीं कर पाएंगे तो फ़ायदा कैसे होगा? तो मुझे लगता है कि जिस भी ज्योतिष के पास जा रहे हैं आप, उसका जो आराध्य है, उसके जो इष्ट हैं, आप उनसे दरख्वास्त लगा के जाइए। ज्योतिष को गुरु पद मिला हुआ है, सनातन संप्रदाय मानता है कि जो भी ज्योतिष है वो एक आम व्यक्ति जब उनके पास जाता है तो सलाह लेने जा रहा है, उनसे गाइडेंस लेने जा रहा है, तो वो गुरु पद है। तो ज्योतिष भले ही व्यवसाय क्यों ना कर रहा हो, आप अगर उनके प्रति आदर का भाव नहीं रखते तो मत जाइए, क्योंकि वो वेवलेंथ मैच नहीं हो पाएगी। वो आपके प्रति कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो माध्यम आपके बनेंगे ही तब जब आप उनके साथ अलाइन कर जाएं। और एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि ज्योतिष अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बदलने नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा अलग अलग, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली भी ज्योतिष के पास नहीं जाना चाहिए और अलग अलग ज्योतिषों के पास भी नहीं जाना चाहिए। आप जिस फिलॉसफी, जिस ज्योतिष के साथ, जिसकी जो मानसिकता उस साथ अलाइन कर रहे हैं, उसी के साथ चलिए। एक गाइडेंस लीजिए, थोड़ी लॉन्ग टर्म की गाइडेंस लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में आप जो प्लान कर सकते हैं, जितना आपके बस में है उतना करिए, और बाकी फिर छोड़ दीजिए। ज्योतिष वही सही है मेरे हिसाब से जो आपको जो कुछ भी बता रहा है उसके पीछे उसकी क्या स्टडी है, उसका क्या आधारभूत है, वो साथ में बता रहा है। दूसरा, ज्योतिष का इंटेंशन हमेशा सामने वाले को रिजल्ट सही मिले, इस पे होना चाहिए। ये बात हालांकि जज करना, पता लगाना बहुत कठिन है कि अगर मान लीजिए मैं भी आपको कोई उपाय दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपके लिए मैं कोई अनुष्ठान करूँगा जिससे आपकी बाधा हल होगी, अब इसमें मेरा इंटेंशन सिर्फ पैसे कमाना है, कुछ दक्षिणा लेना है, यह सच में आपकी मदद करना है, ये आपका पता लगाना कठिन है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आप अगर किसी ज्योतिष को 2-3 बार अगर देख लेंगे, 2-3 इंस्टेंसेस पे देखें कि वो किस प्रकार के उपाय बता रहे हैं, अगर ज्योतिष ऐसा है कि आप उसके पास जा रहे हैं पैसे की बाधा के लिए और वही आपके ऊपर 10 लाख रुपए का कर्ज है और आप परेशान है कि वो कर्ज नहीं पड़ रहा, और ज्योतिष उसके समाधान में आपको 1 लाख रुपए की पूजा बता दे या रत्न बता दे, इलॉजिकल है। आप अगर अपने ज्योतिष के पास जा रहे हैं, ईमानदारी से जाइए, जो भी जैसा है सामने प्रकट करिए। और अगर सच्चा ज्योतिष है तो मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि हर परेशानी के लिए, हर समस्या के लिए ऐसे उपाय हैं, और हमारे ही सनातन संस्कृति के अंदर है, हमारे शास्त्रों के अंदर है, जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगता। और कुछ उपाय ऐसे भी हैं जिसमें समय भी नहीं लगता, कुछ लोगों के पास समय की कमी होती है कि हम 2 घंटे बैठ के मंत्र जाप नहीं कर सकते कुछ, बस ये है कि आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपकी रिसर्च वैसी होनी चाहिए और आपका इंटेंशन होना चाहिए। छोटे छोटे उपाय से बड़ी बड़ी परेशानियाँ ठीक हो जाती हैं, पर कई बार बताते नहीं हैं। तो ज्योतिष अपने लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं, ऐसी गाइडेंस चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि उस व्यक्ति के पास जाएं जिसका जीवन, जिसकी लाइफस्टाइल, जिसकी बात करने का तरीका, जिसका थिंकिंग प्रोसेस आपसे अलाइन हो रहा है। पहली बात बहुत ज़रूरी है, आप जैसे हैं उसके विरोध में या उससे बहुत अलग पर्सनैलिटी वाले ज्योतिष के पास आप जाएंगे, चाहे वो कितने ही बड़े विख्यात क्यों ना हो, उनके कितने अच्छे रिजल्ट्स लोगों ने क्यों ना देखे हो, आप नहीं देख पाएंगे। और दूसरा, कि जब
अवलोकन करें जब 3-4-5-10 मुलाकात हो जाएं, और अगर आप जीवन पर्यंत चाहते हैं कि वो आपको गाइड करें, तो नोटिस करें कि इसमें इन्होंने अपना फ़ायदा कितना ढूंढा और आपका फ़ायदा कितना ढूंढा है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात जो लोग भूल जाते हैं, ज्योतिष जो बताता है वो लोगों के लिए 10 मिनट की जिज्ञासा रहती है, बस जिज्ञासा की शांति हुई, थोड़ा सा अम्यूजिंग लगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, रोमांचक अपने बारे में जानना हर किसी को लगता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। मेरा मानना है कि आपको अगर आप ज्योतिष के पास जा रहे हैं तो जो भी डेडलाइंस बताई गई, जो डेट्स बताई गई, आपको जो भी प्रेडिक्शंस दिए गए हैं, उसे कहीं कैलेंडर पर या किसी भी जगह ऐसे नोटबुक में अपने नोट डाउन करिए और वैलिडेट करके देखिए कैसा होता है या नहीं होता। और अगर आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके लिए वो जो माध्यम है वो आपके माध्यम बन रहे हैं, वो जो मध्य में है आपके लिए है, आपका माध्यम बनेगा। और अगर नहीं भी बन रहा तो ऐसा नहीं कि एक बार आपने देखा कि कोई व्यक्ति के साथ कोई घटना नहीं घट रही तो आप उसको छोड़ के दूसरे को पकड़ लो, नहीं, आप 2-4 बार इस चीज़ को एनालाइज करके देखिए, मल्टीपल इंस्टेंसेस में आप इसको वैलिडेट करेंगे, क्योंकि एक आध इंस्टेंस पे आगे पीछे हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी ज्योतिष है वो आपकी विचारधारा को मध्य में रख के आपके भविष्य के बारे में अगर सोच पाएगा तो ही वो आपकी मदद कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं सबको क्लैरिफाई कर दूँ, मेरे पास मान लीजिए एक व्यक्ति आया है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का उनका केस है, ज्योतिष या साधक या कोई भी व्यक्ति जो ऑकल्ट फील्ड में है वो एक उसी तरह होता है जैसे क्रिमिनल लॉयर होते हैं, वकालत में जैसे व्यक्ति का मॉरल कंपास सही और गलत में नहीं बांटता, वो अपना जो उसको जिम्मेदारी दी गई है वो उसको देखता है और वो जिम्मेदारी उसको कोर्ट ने ही दी है, तो ज्योतिष भी जो बैठा है उसको वो जिम्मेदारी उसके अधिपति गुरुओं ने दी हुई है, नवग्रहों ने दी हुई है। तो ज्योतिष के पास क्या है, अगर मान लीजिए मैं ही बायस्ड हूँ, मेरी अवधारणा है बिना सामने वाले की परेशानी जाने, हो सकता है उसके जीवन में ऐसी परेशानी हो जिसकी वजह से वो बेचारा मजबूर हो इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाने के लिए, सबकी अपनी अपनी बाधा है। मैं अगर उसको जज कर लूँ और बायस होके एकंगा होके देखूँ और उसको ज्योतिष बोलूँ कि तुमने ये गलत किया, ये सही नहीं है, वो ऐसा वैसा, तो ऐसा व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता। ज्योतिष वो होना चाहिए जो आपको जज ना करे। मुझे लगता है कि गुरु किसी भी प्रकार का हो, क्योंकि गुरु पद है, गुरु का नॉन जजमेंटल होना बहुत ज़रूरी है। आपके जगह पे इफ एन एस्ट्रोलॉजर कैन पुट हिज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन योर शूज एंड देन प्रेडिक्ट योर लाइफ, आई थिंक देन इट विल बी वेरी एक्यूरेट, वेरी क्लोज टू एक्यूरेट इफ नॉट एक्यूरेट। लेकिन होगा क्या, अगर मैं अपने ही दिमाग से सोचूं और अपने जो मेरे जीवन के उधेड़ बुने हैं मैं बायस हो जाऊं, मैं एकंगा हो जाऊं, आपके या तो बिल्कुल अनुकूल हो जाऊं या तो बिल्कुल प्रतिकूल हो जाऊं, कहीं भी मैं अपनी विचारधारा को आपकी परेशानी से अगर जोड़ लूंगा तो आपको सही उपाय नहीं बता पाऊंगा, आपकी परेशानी का सही आंकलन नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि ज्योतिष के अंदर कुछ ये चीज़ें जो देखनी चाहिए, बाकी तो ईश्वर के ऊपर है। और इसलिए मैंने कहा कि आप जिस भी ज्योतिष के पास जा रहे हैं, आपको पता होता है हर व्यक्ति का कोई ना कोई इष्ट होता है। ज्योतिष में तो नेचुरल सी बात है कि व्यक्ति आस्तिक होगा, धार्मिक होगा, प्रपंच में जो कर्म कांड है, जो ईश्वर की जो स्तुति है वो सब कर रहा है, इसलिए ज्योतिष में, तो उसके इष्ट को पकड़ो, उसके इष्ट से डायरेक्ट प्रार्थना करिए। हनुमान जी का कोई चेला है वो ज्योतिष है तो हनुमान जी से प्रार्थना करिएगी, आप मैं आपके शिष्य के पास जा रहा हूँ, आपके साधक के पास जा रहा हूँ, तो उनको ऐसी चीज़ें आप बताइए, ऐसा गाइड करिए कि मेरे को हेल्प हो सके। मैं इस प्रकार से, मतलब मेरी विचारधारा ऐसी है। ज्योतिष के बारे में हमने आज बहुत सारी बातें की हैं। आप देख रहे हैं अवधूत आनंद का यूट्यूब चैनल। ज्योतिष के बारे में आपके अंदर अभी भी बहुत सारे सवाल उमड़ रहे होंगे, उन सवालों को उमड़ने दीजिए, बाहर आने दीजिए, कमेंट सेक्शन के ज़रिए वो सवाल पूछिए। हमारी कोशिश होगी कि उन सवालों के बेस पर हम अगला पॉडकास्ट लेकर आएँ। आज का हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा उसका भी फीडबैक दें, ताकि हम बेहतर से बेहतर विषय पर आपके सामने इस तरह की सामग्री लेकर आ सकें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अवधूत आनंद जतिन जी आपकी ज्योतिष से संबंधित बाधाओं को भी हल करते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको जो समय समय पर यहाँ एक नंबर ब्लिंक हो रहा होगा उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमारे जो मैनेजर हैं आप उनसे बात कर सकते हैं और वो आपको एक समय अलॉट करेंगे। उस समय में आप अपनी बाधा उनके सामने रख सकते हैं, उसकी प्रोसेस आप उसे समझ सकते हैं, बहुत आसान प्रोसेस है। तो अगर आपकी कोई बाधा है प्लीज़ आप व्हाट्सएप कीजिए, एक बार अपनी बाधा को पूछ कर देखिए, हो सकता है अगर आपको कहीं कोई समाधान ना मिला हो तो हो सकता है आपको यहाँ से एक उचित समाधान मिल जाए। आप अगर मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं तो हो सकता है आपको यहाँ से एक उचित मार्गदर्शन भी मिल जाए।
क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ और ये समझ भी रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो अवधूत आनंद जी से जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ ना कुछ लाभ हासिल कर पा रहे हैं, चाहे वो दत्तात्रेय शक्ति जागरण साधना हो, चाहे वो मंत्र साधना हो। बहुत से लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं, आप भी अपने जीवन को बदलिए, बेहतर बनाइए। हमारे इस चैनल को प्यार दीजिए, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने सवाल पूछना ना भूलिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी के लिए हमें यानी मुझे चक्रेश को और अवधूत आनंद जतिन जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।